अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि आलिल्लाह वल्लअनतु दाइमतु अला अदाइहिम अदाइल्लाह मिन यौमि अदावतिहिम इला यौमि लिक़ाइल्लाह। अम्मा बाद फ़क़ाल अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल-ईमानु अला अर्बअि मआनी अलस्सब्रि वल-यक़ीन वल-अदल वल-जिहाद वस्सब्रु मिन्हा अला अर्बअि शुअब अलश्शौक़ि वश्शफ़क़ि वज़्ज़ुहदि वत्तरक़्क़ुब फ़मन इश्ताक़ इलल जन्ना सला अनिश्शहवात वमन अशफ़क़ मिनन नारि इज्तनबल मुहर्रमात वमन ज़हद फ़िद्दुन्या इस्तहान बिलमुसीबात वमन इर्तक़बल मौता सारअ इलल ख़ैरात वलयक़ीन मिन्हा अला अर्बअि शुअब अला तबसीरतिल फ़ितनति वतअव्वुलिल हिकमा वमौइज़तिल इब्रति वसुन्नतिल अव्वलीन फ़मन तबस्सर फ़िल फ़ितनति तबय्यनत लहुल हिकमा वमन तबय्यनत लहुल हिकमतु अरफ़ल इब्रा वमन अरफ़ल इब्रता फ़कअन्नमा काना फ़िल अव्वलीन। दुरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। खुदावंद तबारक व तआला तमाम मोमिनीन को अपने हिफ्ज़ व अमान में महफूज फरमाए। तमाम मोमिनीन की हिफ्ज़ व सलामती के लिए सलावत पढ़िए मोहम्मद। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का कलाम नूरानी नहजुल बलागा से हिकमत नंबर 30 को आपकी खिदमत में सरनामाए कलाम करार दिया है, जिसमें आपसे सवाल किया गया, सुइला अनिल ईमान, ईमान की हकीकत क्या है। हजरत ने जवाब में फरमाया, अल ईमान अला अर्बअि दअाइम, ईमान के 4 रुकन और 4 सुतून है। पहला सुतून सब्र है, दूसरा यकीन है, तीसरा आदल है और चौथा जिहाद। इन 4 अरकान के ऊपर ईमान की अमारत कायम होती है। इन 4 अरकान के सहारे इंसान के अंदर नूरानियत ईमान व हकीकत ईमान वजूद में आती है और इंसान दर्जाए मोमिन और मकाम मोमिनियत पर फायज होता है। जैसे इशारा किया था कि ये ईमान उस ईमान से मुख्तलिफ है और ये मोमिनियत उससे मुख्तलिफ है जो हमारे जहनों के अंदर मौजूद है, जिसकी तस्वीर और जिसका तसव्वुर हम ये समझते हैं कि मोमिन होने के लिए किसी मोमिन के घर में पैदा हो जाना काफ़ी है। जिस तरह कौमियत के लिए किसी कौम के यहाँ पैदा होने से इंसान खुद ही खुद उस कौम का फर्द बन जाता है, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। सैयद होने के लिए सादात के यहाँ पैदाइश व जन्म काफ़ी है और मिर्ज़ा होने के लिए किसी मिर्ज़ा के यहाँ पैदा होना काफ़ी है। ईरानी होने के लिए किसी ईरानी फैमिली में पैदा होना काफ़ी है। अफ़गानी बनने के लिए किसी अफ़गान के यहाँ पैदाइश काफ़ी है। ये बायोलॉजिकली ईमान है। अमीरुल मोमिनीन फरमा रहे हैं कि ईमान आइडियोलॉजी है। पैदाइश से इंसान मकाम मोमिनियत तक नहीं पहुँच सकता जब तक ईमान के जीने से चढ़कर ऊपर ना आए और ईमान के मराहिल तय न करे। मोमिनियत तर हकीकत एक ऐसा मकाम है जिसे इंसान इब्तदाई दर्जात से तय करके आला तरीन मकामात तक इर्तका करके पहुंचता है, तरक्की करके पहुंचता है। इब्तदाई मरहले से इंसान शुरू करता है और उस नहाई मरहले तक पहुंचता है जिसे मोमिन कहा जाता है, या मकामी मोमिनियत से शरफयाब होता है और मुशर्रफ होता है। कुरानी मोमिन और उर्फी मोमिन में फ़र्क है, कुरानी मोमिन में और रस्मी मोमिन में फ़र्क है और रसूमाती मोमिन में। ये कुरानी मकाम ईमान है जिसकी तरफ हजरत इशारा फरमा रहे हैं, जिसके लिए इंसान को अपनी ज़ात के अंदर, अपने वजूद के अंदर पहले अरकान ईमान कायम करना पड़ते हैं, जिनमें पहला रुकन सब्र है, दूसरा यकीन है। सब्र के चार शोबे बयान फरमाए हैं कि सब्र बजाय खुद व बजात खुद चार शोबों पर मुश्तमिल है। पहला शोबा सब्र का शौक है, दूसरा खौफ है, तीसरा ज़ुहद है और चौथा उम्मीद व तरक्कुब। इन चार मैदानों में जब इंसान साबिर बन जाता है तो मकामी साबरियत पर फायज होता है। इन चार शोबों के नतीजे में ईमान का पहला रुकन कायम होता है बनाम सब्र। दूसरा रुकन है यकीन, उसके भी हजरत ने फरमाया चार शोबे हैं। पहला शोबा इंसान की अक्ल व जहानत की बसारत है, वो बसीरत कि उस वक्त इंसान मकाम यकीन तक पहुँचता है जब उसे बसीरत हासिल हो जाए और उसके अंदर बसीरत का चराग रोशन हो जाए। बसीरत का चराग अक्ल है। अक्ल इंसान के अंदर कई तरह की है, कई शक्लों की अक्ल है और कई रूप की अक्ल है इंसान के अंदर। उनमें से एक अक्ल है जिसके बेदार होने से और जिसके रोशन होने से बसीरत इंसान के अंदर पैदा होती है। अक्ल उमूमन जो रिवायात के अंदर जिसका जिक्र है वह उलमा जिक्र करते हैं, इंसान के अंदर 5 तरह की अक्ल मौजूद है। एक अक्ल है इल्मी अक्ल, जिसके जरिए से इंसान तालीम हासिल करता है, नंबर लेता है, पढ़ता है, टॉप करता है, बोर्ड टॉप करता है, यूनिवर्सिटी टॉप करता है, कॉलेज टॉप करता है, डिग्री लेता है और बड़ी बड़ी सनदें हासिल करता है। वही अक्ल जिसके ज़रिए आपने प्रेप से पढ़ना शुरू किया और मास्टर कर लिया, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, अल्लामा बन गए, हुज्जतुल इस्लाम बन गए, मुजतहिद बन गए, आयतुल्ला बन गए। जिसके अंदर अक्ल हो वही बन सकता है। इस अक्ल का नाम है इल्मी अक्ल। इसका काम सिर्फ इल्म हासिल करना है, फार्मूले समझना, कवायद समझना, ज़ाबते समझना, इम्तहान देना, पास करना, ये इस अक्ल का काम है। अलबत्ता ये उनके लिए कह रहा हूँ जो पढ़ के पास करते हैं, वरना जो पढ़े बगैर पास कर लेते हैं उनके अंदर और अक्ल है, इल्मी अक्ल नहीं है उनके अंदर। ये वो लोग हैं जो मेहनत करके कोई इल्मी मकाम हासिल कर लेते हैं। ये वो अक्ल है जिसके ज़रिए से आपको फिज़िक्स समझ में आती है, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, रियाजी पढ़ते हैं, फ़लसफ़ा पढ़ते हैं, मंतिक पढ़ते हैं, फ़िक़्ह पढ़ते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं और गुनागुन तरह तरह के उलूम पढ़ते हैं और आप कामयाबियाँ हासिल करते हैं। इस अक्ल को आप नाम रख दें इल्मी अक्ल है, यानी उलूम हासिल करने के लिए। खूब है, बहुत सारों के अंदर है, बहुत सारे लोग इस माना में जहीन कहलाते हैं कि अच्छा पढ़ते हैं, अच्छे नंबर लेते हैं पढ़ के। कुछ ऐसे हैं जो खुद कम पढ़ते हैं, उनके माँ बाप पैसे ज़्यादा देते हैं, नंबर उनके ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन कुछ अपनी मेहनत से नंबर ज़्यादा ले लेते हैं। इसका काम सिर्फ पढ़ना है, बस पढ़ना, नंबर लेना, डिग्रियाँ लेना। इस अक्ल का और कोई काम नहीं है। एक और अक्ल है, उसका नाम है बनिया अक्ल, कैलकुलेटर। नफा नुकसान समझना, फायदा कहाँ है और कितना है, नुकसान कहाँ है और कितना है। ये अक्ल सिर्फ फायदे ढूंढती रहती है और इंसान को बताती है कि यहाँ फायदा है, यहाँ फायदा नहीं है। ये मफाद परस्त अक्ल है, हमेशा फायदों की तलाश में है। फायदे इंसान के सामने रखती है, फायदों से आशना करती है, नुकसानात की निशानदेही करती है कि ये कम मत करो, नुकसान होगा। अब ये उमूमन है, ये भी अक्ल लोगों में है। इस अक्ल के जरिए से आप कामयाब बिजनेसमैन बन सकते हैं, कामयाब मफाद परस्त बन सकते हैं, बहुत ज्यादा सूद कमा सकते हैं। इसके जरिए से आप फायदे मुख्तलिफ तरीकों से हासिल कर सकते हैं। ये सिर्फ इंसान को फायदे बताती है ये अक्ल। अब ये है, बहुत सारे लोगों के अंदर है ये। एक अक्ल है अक्ल मक्कार, अक्ल चालाक। उसका काम फायदे नुकसान तलाश करना नहीं है, उसका काम इंसान को मकरो फरेबो हीले बताना है, चालाकियां बताना है इंसान को कि फंसाना किस तरह से है दूसरों को और खुद फंसने से किस तरह बचना है। अगर कोई मुझे फंसाए तो कैसे जुल देनी है उसको, और अगर मैं किसी को फंसाऊं तो कैसे उसको फंसाना है। इसको कहते हैं अक्ल मक्कार। ये फ्रेब देना इसका काम है, मकर करना इसका काम है। खूब है, ये भी बहुत सारे लोगों के अंदर मौजूद है। जहां पर भी आप दूसरों के गर्दन में कुछ डाल देते हैं और अपनी गर्दन छुड़ा लेते हैं, ऐसे लोगों को हम कहते हैं बहुत ही अक्लमंद आदमी है। अपने काम दूसरों से करवा लेते हैं और खुद किसी के काम नहीं आते। ऐसे लोगों को उमूमन चालाक आदमी और मक्कार आदमी कहते हैं। या वो लोग जो कुछ किए बगैर अपना नाम बड़ा बढ़ा लेते हैं, करते कुछ भी नहीं है लेकिन शोहरत बड़ी है, बड़ी अजीम शख्सियत है, बड़ी अजीम हस्ती हैं। चूंकि उन्होंने इस तरह से माहौल बनाया है कि लोग समझते हैं ये बहुत अजीम इंसान है कुछ किए बगैर। ये चालाक अक्ल है, मक्कार है, मकर सिखाती है इंसान को, चालाकी सिखाती है। टालना किस तरह से, टाल मटोल कैसे करनी है, मोमिनीन को कैसे टालना है, अपने रहबरों को कैसे टालना है, अंबिया को कैसे टालना है, आइम्मा को कैसे टालना है, और अल्लाह को कैसे टालना है। वही जो बनी इसराइल के अंदर थी, हजरत मूसा ने कहा गाय ज़बह करो, तो कहने लगे कौन सी गाय ज़बह करें, उसकी उम्र कितनी हो, उसका दुम कितना हो, उसका सुम कितना हो, उसके सींग कैसे हो, उसकी जिल्द कैसे हो, वो नर हो वो मादा हो। टाल मटोल शुरू कर दी, इतना टाला कि कुरान कहते हैं कि करीब था कि ये काम तर्क करें और ना करें, फरमाने खुदा बजा न लाए। ये अक्ल भी लोगों के अंदर मौजूद है। कानून से कानून को तोड़ने के रास्ते निकालना, शरीयत के जरिए से शरीयत की मुखालफत करना, ये वही अक्ल मक्कार है जो इंसान को कानून तोड़ने के कानूनी तरीके बताती है और शरीयत छोड़ने के शरई तरीके बताती है ये अक्ल। ये भी है इंसानों के अंदर। और एक अक्ल है कि अलबत्ता उसका नाम हमने रखा है ये अक्ल, जो जुज़परस्त अक्ल है, यानी जनाना अक्ल। इस अक्ल का काम यह है कि अहम मसाइल के बजाय गैर जरूरी मसाइल को बहुत अहमियत देना, बड़ी तवज्जो करना गैर अहम मसाइल की तरफ। अहम मसाइल को छोड़ दें आप और दूसरी चीज़ें मसलन मकासद छोड़ दें और दीगर उसके आप पहलुओं की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें। आप मसलन ईद का मकसद छोड़ दें और ईद के जोड़े पे ज़्यादा तवज्जो दें। आप नमाज ईद छोड़ दें, खुतबा ईद शवियों पे ज़्यादा ध्यान दें, तवज्जो दें आप। मसलन ये अक्ल है जुज़परस्त, जो उसूल को छोड़ देती है। इस अक्ल को उसूल समझ में नहीं आते। ये अक्ल है ही ऐसी कि उसूल बयान करें इसको कुछ भी नहीं होता, हैंग हो जाती है। लेकिन अगर जुजियात बयान करें, उसूल छोड़ दें आप, जुजियात हो गैर अहम बातें करें, फिर बहुत दिलचस्पी लेती है ये अक्ल। इसको कहते हैं जनाना अक्ल, जो मर्दों में ज्यादा है, औरतों में नाम जनाना है लेकिन है मर्दों के अंदर ज्यादा है। बहुत सारी चीजें हैं ऐसी तो उनका नाम कुछ और है लेकिन है किसी और के अंदर। ये एक अक्ल है चौथी। पांचवी अक्ल जिसको कहते हैं अक्ल रहनुमा, अक्ल इमाम, अक्ल हादी। ये पांचवी अक्ल है इंसान के अंदर। बाज़ औक़ात उलमा अपनी इस्तिलाह में इसको अक्ल अमली कहते हैं और रिवायात की जबान में इसको अक्ल हादी, अक्ल रसूल और अक्ल इमाम और अक्ल रहनुमा कहा गया है। ये भी हदिया खुदा है। ये इस अक्ल का काम सबक पढ़ना नहीं है, लिहाजा आप देखें बस औक़ात अनपढ़ के अंदर भी होती है ये अक्ल रहनुमा। पढ़ा लिखा आदमी नहीं ये नंबर नहीं लिए, बोर्ड टॉप नहीं किया, सब ना नाम लिख सकता है अपना, ना पढ़ सकता है लिखा हुआ नाम, लेकिन बसीरत है, अक्ल है उसके अंदर, शऊर है उसके अंदर, रहनुमाई खूब करता है, मामलात को अच्छा समझता है, दर्क करता है, और क्या इकदाम होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए उसको खूब समझ में आती है ये बातें। और बाज ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये अक्ल नहीं होती, उन्हें समझ में नहीं आती। बसीरत जो हजरत फरमा रहे हैं कि यकीन का पहला रुकन बसीरत है, अक्ल की फतानत की बसीरत व जहानत की बसीरत, इस पांच में से अक्लों में से पांचवी अक्ल मुराद है हजरत की। न कि जो नंबर ज्यादा लेता है वो बहुत फतीन है, जो डिग्रियां बड़ी बड़ी ले लेता है, इम्तहान अच्छे पास करता है, बोर्ड टॉप करता है, उसे नहीं कहते फतीन इंसान। भले इल्मी अक्ल है उसके अंदर, तेज है, समझ अच्छी है उसकी, लेकिन फतानत उसे नहीं कहते। फतानत अक्ल अमली की तेजी को कहते हैं। अक्ल अमली यानी मुआमला फहम, वो अक्ल जिसका काम मुआमलात समझना है, हालात को समझना है और मुश्किलात को समझना है, और हालात के अंदर मुश्किलात का राय हल ढूंढना है। वो अक्ल जो इंसान को रहनुमाई करती है हर जगह पर, न वो अक्ल जो इंसान के नंबर बढ़ाती है, ये अक्ल फतानत कहलाती है। और ये अक्ल अगर रोशन हो जाए, बेदार हो जाए, जाग जाए, इसकी रोशनी और इसकी बेदारी को बसीरत कहते हैं। ये अक्ल अगर इंसान के अंदर आन हो जाए, ऑफ न रहे, इसको कहते हैं बसीरत। और अगर ये खत्म हो जाए, इससे काम न ले इंसान, उसे कहते हैं हिमाकत, सफाहत व बेवकूफ़ी। बेवकूफ़ जरूरी नहीं कि उसके नंबर भी कम हो, उस औक़ात बेवकूफ़ नंबर बहुत अच्छे लेते हैं, क्लास में टॉप पर होते हैं, और लोग भी हैरान रहते हैं कि क्लास में टॉप पर होता है, घर में घर नहीं चला सकता, कोई मसऊलियत नहीं दे सकता। अगर आप किसी एक मस्जिद की चाबी दे दें, आपने मस्जिद संभालनी है, नहीं संभाल सकता वो, नंबर बहुत अच्छे लिए हैं उसने। और हम यहाँ खता करते हैं कि अमली कामों के लिए इल्मी लोग ज्यादा चुनते हैं, यानी नंबर देखते हैं। आप देख लें मसलन मेरिट क्या रखा हुआ है कि आपने मैट्रिक में नंबर कितने लिए, आपने एफए में नंबर कितने लिए, आपने ग्रेजुएशन में नंबर कितने लिए। तो नंबर लेकर हम उनको भर्ती कर लेते हैं, और भर्ती करने के बाद फिर ढूंढते रहते हैं कि अब इनसे जान कैसे छुड़ाएं हम। नंबर तो बहुत अच्छे थे, हैरान भी होते हैं, लेकिन जिस काम के लिए चुना है वो काम ये अंजाम नहीं दे सकता। एक बहुत ही बड़ी मसऊलियत वाला एक आदमी कहें, जिसको तजर्बा बहुत था अमली कामों का, उनकी खिदमत में हाजिर हुए। हमने कहा कुछ रहनुमाई करें आप, तो उन्होंने मिसाल दी, कहा कि मेरे मातहत मेरे अमले में एक बहुत ही इसी तरह का जहीन, बहुत ही क्वालिफाइड आदमी, जिसके यूनिवर्सिटी में कॉलेज में बड़े अच्छे नंबर थे, उसको हमने किसी शोबे का हेड बना दिया, और उसके मातहत सिर्फ एक आदमी रखा हमने कि ये आपका असिस्टेंट है, ये आपके मातहत है, आपने सिर्फ इससे काम लेना है। फर्ज करें कोई कंपोजर रख दिया, कोई टाइपिस्ट रख दिया, कोई उसका ऑफिस सेक्रेटरी रख दिया, और ये कहा कि आपने इस एक आदमी को चलाना है और इससे काम लेना है। और कहा कि कई सालों के बाद पता चला कि वो उससे काम नहीं ले सकता, और उसके बजाय एक ऐसा आदमी जो डिग्रियां नहीं थी उसके पास, बड़ी बड़ी सनदें नहीं थी, और उसको हमने दिया 50 आदमियों की मसऊलियत कि आपने 50 आदमियों से काम लेना है। और वो इतनी खूबसूरती से 50 आदमियों से काम ले लेता था कि ये आदमी इतना एक से नहीं काम ले सकता था। वो 50 आदमियों से बेहतरीन उनको मैनेज करता, उनसे आप अपने अपने पोस्ट पर अपने अपने मकाम पर अच्छा काम ले लेता। यानी उसके अंदर मुदीरियत और मैनेजमेंट की सलाहियत थी, इसके अंदर नहीं है। मैनेजमेंट इल्मी अक्ल नहीं कर सकती, इल्मी अक्ल फकत फिजिक्स पढ़ सकती है, लेकिन किसी इंस्टीट्यूट को मैनेज नहीं कर सकती इल्मी अक्ल। कि हम उमूमन लायक लोग उनको कहते हैं जिनके नंबर अच्छे हैं, लेकिन उनकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, उनके जिम्मे काम सौंप देते हैं, फिर मुश्किल में पड़ जाते हैं। अगर आप उनके नंबर देखें, ये रिवायात का मजमून आज कर रहा हूं, बहुत सारी रिवायात में है। एक हदीस बहुत नूरानी, मुद्दतों से इस हदीस के बारे में एक इरादा है कि इंशाअल्लाह कभी इसको मौजू करार दें मुस्तकिल तौर पर। ये इमाम शाहरुम हजरत सैयद साजिदीन अलैहिस्सलाम की रिवायत कि हजरत ने मेयार बताया काबिल एतमाद इंसान का कि जिस पर आप एतमाद करो, भरोसा करो और जिसे अपना साथी बनाओ या जिसके ऊपर एतमाद करके उससे कुछ जिम्मेदारी दो, उसके लिए इमाम ने मेयार बताया। मेयार ये हदीस बहुत सारी किताबों के अंदर है, अजमला वसाइल शिया में है ये हदीस। इमाम ने फरमाया कि अगर किसी शख्स पर एतमाद करना है तो ऐसे आंखें बंद करके एतमाद मत करो, पहले उसको आजमाओ। आजमाइश में पहले उसकी फिक्र देखो कि ठीक है या नहीं, और अगर ठीक ना हो तो खूब वहीं पर उसे सलाम कह दो और उससे कोई ताल्लुक ना रखो, और अगर फिक्र ठीक है तो फिर उसकी फिक्र की दुरुस्ती के धोखे में मत आना। यह ना समझे कि चूंकि फिक्र ठीक है बस सारा ही ठीक है। अब उसका अमल देखो, अगर बाअमल इंसान है, अगर बेअमल है तो वहीं छोड़ दो, अगर बाअमल है तो उसके बाअमल होने के धोखे में नहीं आना, बल्कि उसका हुस्न खुल्क देखो, उसका अखलाक देखो। अब मुमकिन है तरतीब आगे पीछे हो, मैं जो जिक्र कर रहा हूं ऐसा इसी तरतीब से रिवायत में ना हो, तरतीब आगे पीछे हो सकती है। इमाम ने फरमाया उसका हुस्न खुल्क देखो, अखलाक कैसा है। अगर तो बद अखलाक है तो उसको वहीं छोड़ दो, अगर खुश अखलाक है और बेहतरीन अखलाक है तो उसकी खुशखुल्की के धोखे में नहीं आ जाना, बल्कि उसके रवाबित देखो। और इस तरह इमाम अलैहिस्सलाम हर मरहले के बाद एक मरहला दीगर बताते बताते आखिर में फरमाया उसकी इबादत देखो, और अगर इबादत नहीं करता उसको छोड़ दो, अगर अहले इबादत है तो उसकी इबादत के धोखे में नहीं आ जाना। फिर उसका इल्म देखो, अगर बेइल्म है, ला इल्म है, छोड़ दो, और अगर उसके पास इल्म है तो उसके इल्म के धोखे में नहीं आ जाना, बल्कि और परखो, मजीद परखो उसको। और परखते परखते आखिरी बात जो इमाम अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई कि आखिर में उसकी अक्ल देखो, अगर उसके अंदर अक्ल नहीं है और ये सारी सिफात है पहली, तो उसको छोड़ दो, उस पर भरोसा मत करो, उस पर एतमाद मत करो आप, और उसकी अक्ल को देखो, अक्ल को परखो। अगर उसके अंदर अक्ल है उसका दामन थाम लो और क़यामत तक उसका दामन न छोड़ना, इसलिए कि ये किबरीत अहमर है, ये बहुत नादिर चीज है, ये हर एक को मुयसर नहीं आती। कि जिसकी फिक्र भी ठीक हो, जिसका अमल भी ठीक हो, जिसका अखलाक भी ठीक हो, जिसका इल्म भी ठीक हो, जिसकी इबादत भी ठीक हो, जिसके रावते भी ठीक हो, जिसके रवैये भी ठीक हो, और ये सब ठीक होने के साथ साथ उसके अंदर अक्ल भी मौजूद हो, उसको थाम लो। यानी मेयार अक्ल है, कौन सी अक्ल? ना कि नंबर देखो कि नंबर उसने कितने लिए हैं, ये इल्मी अक्ल है, ये इल्म है जो आपने परखा है उसका। मुमकिन है इल्म उसके पास अच्छा हो, लेकिन अक्ल अमली व अक्ल रहनुमा व अक्ल इमाम उसके अंदर मौजूद ना हो कि सारा दारोमदार इस अक्ल के ऊपर है। इस जब कहा जाता है कि बसीरत, अक्ल की बसीरत यकीन का पहला रुकन है या पहला शोबा, उस बसीरत से मुराद अक्ल अमली की बसीरत है। कि बसौकत किसी अनपढ़ इंसान में भी ये बसीरत पैदा हो जाती है। आपने देखे होंगे बहुत अनपढ़ लोग बहुत ही दाना लोग होते हैं, कितने सुल्तान बादशाह ऐसे गुजरे अनपढ़, लेकिन वो बहुत सारे पढ़े लिखों से बहुत बेहतर थे। इसका मतलब ही नहीं कि मैं अनपढ़ होने की तरवीज कर रहा हूँ, तस्दीक कर रहा हूँ ना। अनपढ़ होना कोई फजीलत नहीं है, इंसान को पढ़ना चाहिए, अच्छा पढ़ना चाहिए, आला तालीम हासिल करना चाहिए। सिर्फ ये इशारा कर रहा हूं कि तालीम अगर बहुत अच्छी भी कर ले इंसान, गोल्ड मेडलिस्ट भी हो जाए इल्म में, तालीम के शोबे में, तो भी जरूरी नहीं कि उसके अंदर अक्ल भी मौजूद हो। अक्ल अलग चीज है, और खुसूसन ये अक्ल जब रोशन भी हो। बसों का अक्ल होती है रोशन नहीं होती, तारीक होती है, जुलमानी होती है अक्ल। यानी अक्ल है सूझबूझ नहीं है, अक्ल है उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। जिस तरह बहुत सारे लोग होते हैं अब क्या होगा, अक्ल तो है इनको लेकिन ये अक्ल काम नहीं कर रही, ये अक्ल आन नहीं है, रोशन नहीं है। जिस तरह एक मशीन, कोई चीज आप रखें और वो काम ना कर रही हो, बटन ऑफ हो उसका, उसको करंट ना मिल रहा हो, खराबी हो गई हो, चलती नहीं है। ये अक्ल रोशन भी हो, काम भी कर रही हो, इसको कहते हैं बसीरत है इसके अंदर, यानी अंदरूनी आगाही बसीरत, बातनी रोशनी आगाही कल्बी, जिसके जरिए से इंसान हकायक और हकायक के छुपे हुए राजों को समझ जाता है, हालात को समझ जाता है, आने वाले हालात को दर्क कर लेता है, मुआमलात की तह तक जा पहुंचता है और हर चीज इंसान बर वक्त तशखीस दे सकता है। इसको कहते हैं बसीरत और शऊर। ये यकीन की पहली शर्त है, यकीन का पहला शोबा है। बेबसीरत इंसान को कभी यकीन हासिल नहीं होता, उसको गफलत की वजह से इत्मीनान हासिल होता है, या जहालत का नाम उसने यकीन रखा हुआ है। नाम तो रख सकते हैं ना हम। वो किसी शख्स ने रोटी का नाम मुसल्ला रखा हुआ था, सजदका का नाम उसने मसल तस्बीह रखा, और हलवे का नाम तस्बीह रखा हुआ था, और फर्ज करें कोरमे का नाम उसने सजदगा रखा हुआ था। और जब भी कोई मेहमान जाता या दोस्त, तो वो फौरन अपने नौकर को हुक्म देता कि जल्दी मुसल्ला तैयार करो, जल्दी लोटा तैयार करो, जल्दी मसलन सजदगा आमादा करो। लोग हैरान होते हैं कि ये दिन रात इबादत में मशगूल रहता है, जब देखो मुसल्ले की बात करता है। उन्हें मालूम नहीं था कि इसने रोटियों का नाम मुसल्ला रखा हुआ है, दस्तरखान का नाम इसने मुसल्ला रखा हुआ है। अब हम अपनी जहालत का नाम यकीन रख लें। हम कितने लोग हैं जो कहते हैं हमें यकीन है, यानी हम जाहिल हैं। इसका माना क्या है तर्जमा, यानी हम जाहिल हैं। ये यकीन नहीं है, जाहिल हैं। यकीन की खुसूसियात हैं। पहली खुसूसियत यह है कि हकीकत आप पर वाजे हो। दूसरी खुसूसियत यकीन की यह है कि जैसे आपके जहन में जो मंजर है, यही जहन से बाहर भी ऐसे ही हो। मसलन मेरे जहन में एक इस वक्त रात है, तो बाहर भी रात ही हो, जहन से बाहर भी रात हो, वरना अगर जहन के अंदर रात हो, जहन से बाहर रात ना हो। इसको कहते हैं जहालत है, ये जहालत है। और तीसरी खुसूसियत यकीन की ये है कि यकीन 100 साल बाद भी जायल ना हो सकता हो। अगर ये वाकई यकीन है तो फिर काबिल जवाल ना हो, इसको कोई खत्म ना कर सकता हो, वरना कल तक यकीन था, आज यकीन नहीं है। जिसके अंदर शक चला जाए, जिसके अंदर शुबहा चला जाए, जिसके अंदर बातिल चला जाए, जो कमजोर हो जाए, मुतजलजल हो जाए, वो यकीन नहीं होता, वो जहालत होती है जो यकीन मानकर इंसान के जहन में आ जाती है। बसौकत जहालत है, यकीन मानकर इंसान के जहन में बैठती है। इसको उलमा अपनी जबान में कहते हैं जहल मुरक्कब। दो जहालत की किस्में करते हैं, जहल बसीत और जाहिल मुरक्कब। मैं उसको आसान पेश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। एक होता है सिंगल जाहिल, एक होता है डबल जाहिल। सिंगल जाहिल बसीत, यानी जो हकीकत नहीं जानता लेकिन अपनी जहालत से आगाह है कि मैं हकीकत। आप मुझसे पूछते हैं क्या टाइम हुआ है, कहते हैं मुझे नहीं पता। अब नहीं पता यानी मैं जाहिल हूं, टाइम के बारे में जाहिल हूं। आप कहते हैं ये किसने खिड़की खोली, कहते हैं मुझे नहीं मालूम। किसने लाइट ऑफ की, मुझे नहीं मालूम। ये सिंगल जाहिल है। ये खूब है, इसको सिखाया जा सकता है, इसको पढ़ाया जा सकता है। क्यों? इसलिए कि ये कह रहा है खुद कि मुझे हकीकत का इल्म नहीं है, लेकिन अपनी जहालत का इल्म है कि मैं नहीं जानता। इसलिए कहते हैं निस्फुल ला अदरी निस्फुल इल्म। ये कह देना कि मैं नहीं जानता, ये आधा इल्म है, आधी दानिश है, ये आधी मार्फत है। कह दो कि मैं नहीं जानता। आपसे कोई एड्रेस पूछे और आप कहें मैं नहीं जानता, तो आधी रहनुमाई आपने कर दी उसकी। क्या कर दी कि मुझसे ना पूछे, मुझे मालूम नहीं। और अगर मुझे एड्रेस मालूम ना हो और मैं कहूं कि ये एड्रेस यहां से जो मसलन इधर आए, मस्जिद इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के करीब आए, लेकिन पिछली गली में आके पूछे किसी से कि मस्जिद कहाँ है, वो ये कहे वो तो G62 में है, वह तो वहां बड़ी मस्जिद शियों की वहां पर है। अब आप देखें ऐसे होता है, और अपने तई खुश भी है कि इसका बहुत अजीम अजर होगा, क्योंकि मैंने एक आदमी को मस्जिद का एड्रेस समझाया है। मैंने खुश भी है कि मैंने बहुत अच्छी रहनुमाई, नेक काम किया आज, क्योंकि वो लोग नेक लोगों से एड्रेस पूछते हैं। और नेक लोग जरूरी नहीं कि आगाही भी रखते हों, बाज़ औक़ात नेक लोगों को एड्रेस मालूम, उनके नेक होने में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्हें एड्रेस नहीं मालूम। और जब बता देते हैं, दूसरे को वरगला देते हैं, किसी गुमराही की लाइन पे डाल देते हैं, उसको वो चल पड़ता है। बाद में कहते मैं मुझे पता है, एड्रेस जानता हूं, नहीं जानता लेकिन दावादार है कि मैं जानता हूं। ये डबल जाहिल है, एक तो एड्रेस नहीं जानता, दूसरा अपनी जहालत नहीं जानता। इसको कोई नबी भी हिदायत नहीं कर सकता, इस जाहिल को। जो अपनी जब जहालतें दो हो जाती हैं, एक हकीकत व हक का इल्म नहीं होता और एक अपनी जहालत का इल्म नहीं होता, जब यह जहालत दूरी हो जाती है उस वक्त एहसास यकीन पैदा होना शुरू हो जाता है, एहसास इल्मियत पैदा होना शुरू हो जाता है कि मैं जानता हूं। दूरी जहालत से इंसान को एहसास इल्म पैदा होना शुरू हो जाता है। बात चीजें होती हैं जो अपना असर जिद की सूरत में दिखाती है। मसलन बाज़ औक़ात आपको सर्दी लग रही है, टेम्परेचर डाउन है, लेकिन एहसास गर्मी आपके अंदर पैदा होना शुरू हो गया। डॉक्टर को चेक कराते हो, कहते हैं नहीं आपको गर्मी नहीं बल्कि सर्दी हो रही है। वो कैसे सर्दी हो रही है या कैसे? मसलन मैं तो एहसास गर्मा कर रहा हूं, कहते हैं ना आप सर्दी हो रही है, आपको गर्मी नहीं। यानी आपका एहसास झूठ है, सच्चा एहसास नहीं है आपका। जब हिस्स मर चुकी हो तो उस वक्त हिस्स में सदाकत खत्म हो जाती है, हिस्स सच बोलना छोड़ देती है। जब हिस्स एबनॉर्मल हो जाए, हो सकता तजुर्बा करेंगे तो घरेलू तजुर्बे आपने बारहा किए हुए हैं, अभी फिर कर लेना जाकर। आप गर्म पानी में हाथ डालें, गर्म पानी में हाथ डालकर फिर एक मामूली नीम गर्म पानी में हाथ डालें। ये नीम गर्म पानी में जो हाथ डाला तो ये क्या लग रहा है आपको? ठंडा। और दूसरा हाथ ठंडे पानी में डालें, ठंडे पानी में डालकर फिर नॉर्मल पानी में डालें तो ये क्या महसूस हो रहा है? गर्म। या एक ही पानी में दोनों हाथ डालें, एक ठंडे पानी में रखें, एक को गर्म पानी में रखें, फिर दोनों हाथ निकालकर एक ही बाल्टी में डालें, एक ही बाल्टी में। एक हाथ कह रहा है ये गर्म है, दूसरा कह रहा है ये ठंडा है। इंसान दोनों को देखता है कि वो क्या ठंडा है या गर्म है, फिर इसको देखता है, ये कह रहा है ठंडा है, ये कह रहा है गर्म है, मैं किसकी बात मानूं? आप दोनों की बात न माने, क्यों कि दोनों के अंदर जो डिटेक्टर है वो खराब हो गया है। जिसने हिस्स करना है गर्मी और सर्दी को, वो अपना काम नहीं कर रहा, उसने अपना काम छोड़ दिया है। इसी तरह होता है कि बाज़ औक़ात इंसान का एहसास झूठा हो जाता है, झूठ बोलता है इंसान के साथ। ये एहसास इंसान का एक झूठ की अलामत यह है कि मेरे अंदर जहालत है लेकिन मुझे एहसास हो रहा है कि मैं आलिम हूं, मैं बड़ा आरिफ हूं, मैं बड़ा दाना हूं, मैं जानता हूं, जबकि नहीं जानता इंसान। होते हैं कितने लोग। और ये मसलन फर्ज कर लें कि आप मरीज हैं, आपको कोई देखने के लिए आया और फौरन डॉक्टर बन बैठा है। ये आपको बताता है कि वो बीमारी के बारे में पूरी आगाही रखता है और उसका इलाज भी जानता है, जबकि कुछ भी नहीं जानता, लेकिन वहां पर दाना बन जाता है। उमूमन आप देखते होंगे हर बीमारी के बारे में हर आदमी डॉक्टर बना हुआ है। एक अल्लाह ताला ने तौफीक दी, हज पे मुशर्रफ हुए तो वहां बीमार हो गया मैं, तो मोमिनीन कारवान वाले सारे आते अयादत के लिए। तो डॉक्टर ने जिसको, चूंकि वहां अक्सर उमूमन वायरस हो जाता है, खांसी, नजला, जुकाम, तो डॉक्टर ने हर एक को कोई ना कोई दवा दी हुई थी। और जो भी देखने आता तो अपनी दवा निकाल के मुझे दे जाता कि ये आप खाएं, ठीक हो जाएंगे आप। तो मैं भी खा लेता। डॉक्टर साहब आए, उन्होंने देखा मेज भरी हुई है दवाइयों से, तो कहा कि ये क्या है? मैंने कहा ये मोमिनीन ने दी है। तो कहा खाते हो? मैंने कहा खाता हूं। ये जब दे के कहने लगे बंदा खुदा आप क्यों खाते हो? आप ये दवाइयां क्यों खा रहे हो? मैंने कहा ये इलाज के लिए नहीं खा रहा हूं, इनकी दिलदारी के लिए खा रहा हूं कि इतनी हमदर्दी से दे के जाती है और ये एहसास ना करे कि उनकी दवा जाया होगी। कहा इन्हीं दवाओं से तो खराब कर दिया अपने आप को आपने, ना खाओ ये दवाएं। बसौगत होता है इंसान जानता नहीं है लेकिन उसके अंदर ये एहसास है कि मैं जानता हूं। अभी हम में से बहुत सारे ऐसे एहसास में मुबतला है। मसल किसी को भी खड़ा करेंगे, दीन जानते हो? हाँ जानता हूं। हक जानते हो? हाँ जानता हूं मैं। जबकि हकीकत में ये एहसास है झूठ बोल रहा है हमसे, सदाकत खत्म हो गई है। सच्चा एहसास वो है कि जब आप नहीं जानते तो कहे कि मैं नहीं जानता। यकीन वो है जो जायल ना हो, यकीन वो है जो हकीकत के मुताबिक हो, यकीन वो है जो अपने मंबा से निकला हो। यकीन पैदा होता है, पैदा होता है, पैदाइश होती है। यकीन हलाल ज़्यादा है, पैदा होता है। कहाँ से पैदा होता है? ना दरख्त से पैदा होता है, ना दीवारों से पैदा होता है। हमें अक्सर यकीन हो जाता है किससे? अफवाहों से यकीन हो जाता है। अफवाहें तो बांझ होती हैं, यकीन पैदा नहीं कर सकती। अफवाहों से प्रोपोगंडा पैदा होता है, अफवाहों से शक पैदा होता है, अफवाहों से शुबहे पैदा होते हैं, अफवाहों से यकीन पैदा नहीं होता। किसी ने अफवाह फैला दी कि शहर में ये वाकया हो गया, वो हमें यकीन हो गया। हम किसी दूसरे को बताते हैं ये हो गया, कहते हैं यकीन है। हाँ, यकीन से कह रहा हूँ हो गया। यकीन कहाँ से पैदा हुआ आपका? फलां ने कहा था मुझे, उस फलां के कहने से आपको यकीन हो गया। बीमारी है ये तो। यकीन खास माँ है यकीन की, बाप है यकीन का। यकीन उन माँ बाप से पैदा होता है, हर जगह से यकीन नहीं टपकता कि चिड़िया उड़ी तो यकीन हो गया, परिंदा उड़ा तो यकीन हो गया, कौवा बैठा तो यकीन हो गया, बिल्ली देखी तो यकीन हो गया, आंख फड़कने लगी तो यकीन हो गया, पांचा उल्टा तो यकीन। ये रोजमर्रा के यकीन जो खुराफात हैं, ये यहीं से हासिल होते हैं। कहते हैं आज जरूर कुछ होगा। क्यों कुछ होगा? आज हमारी आंख फड़क रही है, आज जरूर कुछ होगा। और जब कुछ हो जाता है तो कहते हैं मैंने हाँ पहले पेशेंटगोई कर दी थी कि आज मेरी आंख फड़क रही है, ये एंटेना हिल रहा है कि कुछ होने वाला है आज। ये खुराफात है, ये यकीन नहीं है, ये गुमान है। गुमान पैदा हो रहा है, आपने उसका नाम यकीन रख दिया है। यकीन सिर्फ एक जगह से पैदा होता है, सिर्फ एक मकाम से। यकीन की मादर का नाम दलील है, दलील। यकीन फर्जंद दलील है, इब्ने बुरहान होता है। जहां दलील ना हो वहां यकीन नहीं होता। यकीन दलील से पैदा होता है। इसलिए आप जहां जहां भी पैगंबर अकरम को अल्लाह ताला ने फरमाया वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, ए पैगंबर इबादत खुदा कर, बंदगी खुदा, ताकि यकीन पैदा हो जाए। इसलिए पैगंबर अकरम फरमाते हैं कि मैं अपने रब की तरफ से बुरहान पर लेकर आया हूं। बुरहान यानी वाज़े हक के ऊपर रोशन दलील, एक ऐसा शाहिद व गवाह बहुत ही वाज़े जिसके अंदर किसी किस्म की तारीकी व जुल्मत ना हो। हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, तुम अपनी लो वाज़े निशानी लेकर अगर तुम सच्चे हो। हर चीज के ऊपर जिसमें दलील नहीं है वो यकीन। SMS कहीं से किया, यकीन हो गया। कैसे यकीन हो गया आपको? हर जगह से यकीन पैदा नहीं होता। यकीन आप देखें, फल हर जगह तो फल नहीं होते, कीकर पे आम नहीं लगते, आम के दरख्त पे आम लगते हैं। तो यकीन भी इसी तरह हर जगह से तो यकीन नहीं होता। हाँ, मिंबर पे बैठ के बोलता रहे तो भी यकीन हासिल नहीं होता, मिंबर के नीचे बैठ के बोले तो यकीन हासिल नहीं होता। कोई प्रिंटेड बात हो तो भी यकीन हासिल नहीं होता, और अनप्रिंटेड हो तो भी यकीन हासिल नहीं होता। मीडिया चैनल सुन के यकीन हासिल नहीं होता, दलील से। दलील से यकीन हासिल होता है, दलील के बगैर यकीन हासिल। जब भी यकीन पे पहुंचते हो पहले दलील देखो, ये दलील की, यकीन की दलील क्या है आपकी। ये 3 खुसूसियात अभी मैंने बयान कर दी है, और भी है। पहली खुसूसियत यकीन दलील से पैदा होता है। दूसरी खुसूसियत यकीन इनकिशाफ है हकीकत का, और खुसूसियत यह कि जैसे ज़हन में है वैसी ही हकीकत ज़हन से बाहर भी है। और चौथी खुसूसियत भी उसकी बताई है कि यकीन कभी ज़ाइल नहीं होता। अगर बाद में पता चल जाएगा मुझे यकीन था, गलत हो गया था, लेकिन अब वो यकीन बदल गया मेरा, यानी पहले जो मुझे हासिल था वो यकीन हासिल नहीं था। ये यकीन है, ये दीन का सुतून है, ये ईमान का सुतून है। अफवाहें नहीं है, गुमान नहीं है, जुनून नहीं है, तखमीने नहीं है, अंदाजे नहीं लगा लो दिन के लिए। अभी हमारा सारा दिन अंदाजों के ऊपर है, तखमीनों के ऊपर है कि यूं होगा, यूं होगा, कब्र में जाऊंगा, कब्र में मुनकर नकीर आएंगे, उधर से मौला अली आएंगे और मुनकर नकीर पूछेंगे कि बताओ ये काम क्यों किया, उधर से मौला अली आएंगे तुम कौन हो, कहेंगे हम इन्वेस्टिगेटर हैं, ये मुजरिम है, वो कहेंगे मुजरिम है तो मुजरिम है, ये मेरा है, तुम निकलो यहां से, भागो कब्र से। तो ये सब क्या है? हमारे अंदाजे हैं अजीज मन, अंदाजे हैं, ये तखमीने हैं आपके। यकीन क्या है? यकीन ये है कि मौला अली कब्र से पहले आपके पीछे आएंगे। आपने कब्र का एड्रेस दे रखा है लेकिन मौला अली आपके एड्रेस के ताबे नहीं है, वो कब्र से पहले इंसान के पीछे सुराग में आते हैं। और कब्र से पहले आके क्या करते हैं, ये नहीं कहते कि तुम गुनाह करो जब मुजरिम बन जाओ फरिश्तों से मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। वो फरिश्तों से मुजरिम छुड़ाने नहीं आए, इंसानों से जुर्म छुड़वाने आए। कब्र से पहले पहले पकड़ेंगे आकर। अंदाजे ना लगाओ, अंदाजों के ऊपर दीन मत बनाओ, तखमीने ना लगाओ, यकीन पैदा करो। यकीन, यकीन दीन में यकीन के ऊपर उस्तवार है। यकीन खुदा के बारे में अंदाजे ना लगाओ, खुदा के बारे में यकीन पैदा करो। यकीन भी अपने मंबा से पैदा करो, अपने अरकान से हासिल करो। यकीन का पहला रुकन बसीरत है, यकीन का दूसरा रुकन हिकमत की तह तक जाना है, यकीन का तीसरा शोभा इबरत से नसीहत लेना है। इबरत के मकाम से कि आज वादा किया हुआ था ये बयान करना है आपकी खिदमत में, इबरत के मकाम से नसीहत लेना है। वो मौइज़तिल इबरा, इबरत की जगह से नसीहत लो। कुरान मजीद में खुदावंद तबारक व तआला ने मुतअद्दिद मकामात पर इंसानों को मुतवज्जे किया है कि आप इबरत हासिल करो, इबरत हासिल करो। फ़अतबिरू या उलिल अबसार या फ़ील इबरा ले उलिल अलबाब है। उलिल अलबाब यानी साहिबान अक्ल। कुरान की ज़बान में अक्ल के कई नाम रखे गए हैं। फ़ुआद अक्ल को कहा गया है, अक्ल अक्ल को कहा गया है, और लोभ भी अक्ल को कहा गया। उलिल अलबाब यानी बाज लोग ऐसे हैं जो साहिबान अक्ल हैं, अहले लोभ हैं, खोखले नहीं हैं। जिनके अंदर अक्ल ना हो वो खोखले हैं, खाली हैं। जिस तरह अखरोट हो उसके अंदर कुछ भी ना हो, खोखला, खाली, बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, खोखला ही कहते हैं ना अखरोट, खाली अखरोट जिसके अंदर कुछ भी ना हो। उमूमन तंजन भी कहते हैं ना ऐसे लोगों को जिनकी अक्ल नहीं होती, कहते हैं अखरोट ऐसे लोग, यानी खोपड़ी है अंदर कुछ भी नहीं। वो अखरोट भरा हुआ है तो फिर तो हरज नहीं है, लेकिन अगर खाली है अंदर से तो फिर मुश्किल है। अखरोट खाली हो अगर, खोखले हैं बाज लोग, खोखले हैं यानी उनके अंदर लोभ नहीं है। लोभ मगज को कहते हैं, जो बादाम के अंदर है उसके अंदर मौजूद मगज को अरबी जबान में लोभ कहते हैं। बाज लोग साहिब लोभ हैं, यानी उनके खोपड़ियों में अक्ल मौजूद है, उनके अंदर अक्ल मौजूद है, खोखले नहीं है, खाली नहीं है। इन उलुल अलबाब के लिए दीन सारा आया है। कुरान मजीद का फरमान है फीह आयातुन लिउलिल अलबाब, ये निशानियां उलुल अलबाब के लिए हैं, खोखले अखरोटों के लिए नहीं है। उनके लिए क्या है, उनके लिए चिरागाहें हैं, उनके लिए ये फल है, लंगर है, देगे हैं, ये है उनके लिए, ये खाएं। लेकिन कुछ के लिए हमने आसमानी किताबें नाजिल की हैं, कुछ के लिए हमने आइमा व हादी भेजे हैं। ये आइमा व हादी किस लिए आए हैं, उलुल अलबाब की रहनुमाई के लिए आए हैं, उनके अलबाब व लुब व अक्ल की परवरिश के लिए आए हैं। पहले खुतबे में अमीरुल मोमिनीन का फरमाना है कि अल्लाह ताला ने अम्बिया को किस लिए मबऊस किया, बअसल्लाहुन नबिय्यीन लियुसीरु लहुम दफाइनल उकूल, इसलिए खुदावंद तबारक व तआला ने अम्बिया मबऊस फरमाए ताकि लोगों की अक्ल को उभारे, परवरिश दे, परवान चढ़ाएं। अम्बिया मुरब्बी अक्ल बशर हैं, सरकुब करने नहीं आए। इस वक्त हम अक्ल के दुश्मन हैं, दर हकीकत हमें बना दिया गया है, और वो भी बना में खुदा व दीन, अल्लाह वास्ते की दुश्मनी अक्ल के साथ। मुसलमानों के अंदर अल्लाह वास्ते की दुश्मनी अक्ल के साथ, और बेअकली की वजह से ये सूरत हाल हमारी यहां तक बन गई है। अजीज मान, दीन महज अक्लानियत का नाम है। अक्ल खालिस है दीन, अक्ल की बुनियादें हैं दीन की। अगर दीन से अक्लानियत ले जाए, पीछे जो रहता है उसका नाम दीन नहीं है, वो गुमराही है। दीन अक्लानियत महज है। धोखे में है वो लोग जो अक्ल और दीन की जंग आपस में शुरू कराई हुई है कि दीन अक्ल के खिलाफ है, वह अक्ल दीन के खिलाफ है। ये दीन से भी ना आशना है, अक्ल से भी बेबहरा है, अक्ल से भी बेबहरा है। अगर इनके अंदर अक्ल होती और थोड़ा सा दीन से आशना होते, इन्हें मालूम हो जाता कि दीन और अक्ल में न सिर्फ कोई आपस में जुदाई नहीं है, बल्कि दीन और अक्ल में बहुत हम आहंगी है। इस हद तक हम आहंगी है कि दीन का ये कहना है कि जो कुछ शरीयत में है वही है जो कुछ अक्ल कह रही है, और जो अक्ल कह रही है वही है जो शरीयत के अंदर है। लेकिन कौन सी अक्ल? अक्ल रहनुमा, अक्ल अमली, न बनिया अक्ल और चालाक अक्ल और जुज़परस्त अक्ल, वो ना। अक्ल रहनुमा, अक्ल अमली, अक्ल हादी, जिसको रिवायत में कहा गया है रसूल बातनी है कि अल्लाह ने दो रसूल हर इंसान के लिए मुकर्रर किए हैं, एक उसके अंदर रखा है और एक बाहर। और बाहर वाले रसूल का काम अंदर के रसूल की परवरिश करना है, उसको परवान चढ़ाना है, अक्ल को परवान चढ़ाना है। मुसलमानों को इस जिल्लत तक पहुंचाने के लिए पहले मुसलमानों को और उनकी फिक्र और तफक्कुर को अक्ल से दूर किया गया। फतवे दिए गए कि ये अक्ल से दूर हो जाए, और जब अक्ल से दूर हो गए तो आप देखिए बेअकली की नतीजे और यहां कहां पहुंचा दिया आज हमें। दीन जिसके अंदर अक्लानियत ना हो, दीन जिसके अंदर अक्लानियत मफकूद हो जाए, वो गुमराही है, वो दीन नहीं है, वो इबादत नहीं है, वो धोखा है। अपने साथ भी दूसरों के साथ भी धोखा है। परस्तिश फकत अक्ल के जरिए से मुमकिन है, खुदा तक रसाई अक्ल के जरिए से मुमकिन है, शरीयत की फहम अक्ल के जरिए से मुमकिन है, वही की दरियाफ्त अक्ल के जरिए से मुमकिन है। आप पढ़े उसूल शरीफ काफी में पहली किताब, पहला चैप्टर ही किताबुल अक्ल है, उसमें इमाम अतहार की नूरानी रिवायात हैं। आप पढ़े खुदावंद तबारक व तआला ने अक्ल कितनी बड़ी हदिया व नेमत इंसान को दी है, लेकिन हमें फतवे सुनाए गए कि ये अक्ल, अक्ल पढ़ोगे तो यूनानी हो जाओगे तुम, और अगर खुराफात में हो तो इस्लामी हो जाओगे। इन जितने खुराफाती हो तुम पक्के मुसलमान हो, और अगर अक्ल से काम लिया तो आप दीन से बाहर चले जाओगे। ये गुमराही है, इन बातों में मत आओ। दीन का मुखातब ही अक्ल है और अक्लानियत है, दीन महज अक्लानियत है। दीन के अंदर खुदा शाहिद है, हर बात दीन अक्लानियत की, चूंकि मुखातब अक्ल, मुखातब दीन अक्ल है। दीन तो मैदों के लिए नहीं आया कि इंसानी मैदे को खिताब कर रहा हो, दीन अक्ल को खिताब कर रहा है। और अंबिया आए हैं अक्ल को परवान चढ़ाने के लिए कि खालिक अक्ल ने अपनी सबसे बड़ी निशानी जो इंसान के अंदर पैदा की, वो अक्ल पैदा की है। अक्ल के जरिए रब पहचाना जाता है, अक्ल के जरिए से दीन पहचाना जाता है, जो हमें जिससे फतवे देकर दूर कर दिया गया, नफरत करवा दी गई हमें उस अक्ल से। उलूम अक्ली ज़ईफ़ और मफकूद हो गए, ना हमारे इल्मी इदारों के अंदर, ना मदरसों के अंदर, ना दानिशगाहों के अंदर उलूम अक्ली बिल्कुल न होने के बराबर है। और उलूम अक्ली जिस कौम में ना हो उसकी बुनियाद ही सुस्त हो जाती है। खुदा रहमत करे सैयद जमालुद्दीन अफगानी रहमतुल्लाह अलैह, वो मग़ज़ बेदार, वो इंसान बाबसीरत, वो मग़ज़ उम्मत इस्लामी, वो रोशन चराग जिसका एक दिया अल्लामा इकबाल है जिसने जलाया, वो एक शम्मा जो जलाई सैयद जमाल ने, और जितनी रोशनी अल्लामा इकबाल के अंदर आई, वो खुद फरमाते सैयद जमाल से उन्होंने ये नूर लिया है। सैयद जमाल ये फरमाते हैं कि जब तक जिस कौम के बुनियाद में माकूलात व अक्लानियत न हो, वो इस दुनिया में तरक्की नहीं कर सकती, तरक्की नहीं कर सकती। ये मगरबी धोखाबाज व मक्कार जिन शोबों में इन्होंने तरक्की की है हमें बताते नहीं है राज उसका, हमें ये कहते हैं कि हमने इस तरह से तरक्की की है, हमने यूं ये काम किए, बेहिजाबी की है तरक्की की है, फला काम की है तरक्की की है, तुम भी ये काम करो। हम क्लबों में जाते हैं, पब में जाते हैं, वहां नाचते हैं तो हमने तरक्की की है, मशरूब पीते हैं तरक्की की है, बेहिजाबी से तरक्की हुई है, हमने औरतों को नंगा कर दिया उससे तरक्की हुई है। ये धोखा है, ये नहीं है तरक्की। उन्होंने तरक्की किससे की है? अपनी तहजीब की अकलानियत जहां तक उनकी अकल थी उसको मजबूत किया है, वहां जड़ें रखी हैं उन्होंने, वो राज हमें नहीं बताते। आज आप देख लो कि आप आज मसलन मौजूद इसी वक्त कोई स्टडी करो, आप पढ़ो जाकर नेट पर, सबसे बड़े फिलासफा इस वक्त भी यूरोप में बैठे होंगे, इस वक्त बड़े बड़े फिलसफे बैठे होंगे। हर ऐड के जब भी हमारा कोई मुसलमान किताब लिखता है, कोई कालम लिखता है तो हवाले देगा, किसके हवाले देगा? खूब सारे मसलन जर्मनी के फिलसफों के और बरतानिया के फिलसफों के, अमेरिका के फिलासफा के हवाले देगा। आज भी दरअकीकत यही ज़हन है जो काम कर रहे हैं और अपनी सोसाइटी की बुनियाद उन्होंने इन उलूम के ऊपर रखी है, लेकिन हमें ज़ाहिरन बताया कि ना किसी और चीज से हमने सोसाइटी बनाई। अकल अहम तरीन चीज है, अकल है सरमाया इंसान के पास। यकीन अकल को हासिल होता है। इबरत ले, मौज़े इबरत से इबरत हासिल करें। फातबिरू या उलिल अबसार, ऐ साहिबान बसीरत इबरत लो। तुम कुरान का फरमाना है कि इसके अंदर इबरत है, किसके लिए? उलिल अलबाब, जिनके अंदर अकल है, लोभ है, उनके लिए इबरत है। अकल का एक काम इबरत लेना है, कि वो अहम मतलब है इबरत लेना। इबरत जैसे मैंने गुज़श्ता शब आपकी खिदमत में इशारा किया, इबरत उबूर, इबारत, एतबार, मोतबर, ये वो अल्फाज हैं जो हम पंजाबी में भी इस्तेमाल करते हैं, उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, हर जबान में इस्तेमाल करते हैं। ये फलां बहुत ही मोतबर आदमी है, ये दलील बड़ी मोतबर है। आपकी किताब की इबारत ठीक है, आपकी गुफ्तगू या आपकी लिखी हुई इबारत यूं है। इबारत ये उर्दू में भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, सुना हुआ सब नहीं होगा। इबारत, इबरत, माबर, उबूर, इबारात, एतबार, एक ही खानदान है, सब इसी आबारा से है। ताबीर एक और जो उमूमन मोमिनीन को अक्सर जो पेश आते हैं, ख्वाब की ताबीर कराते हैं कि मैंने ख्वाब में मसलन ये चीज देखी है, तो आ जाते हैं सुबह पूछने के लिए कि इसका मतलब क्या है। आप ताबीर करें, इसकी ताबीर क्या है। वो बात सुना भी देते हैं कि इसकी ताबीर यह है कि आप 10,000 रुपये मुझे दे दें, मसलन इसकी ताबीर ये है। ऐसी ख्वाबें, उसकी ताबीरें भी ऐसी ही होती हैं, जैसी ख्वाब देखते हैं ऐसी मुअब्बिर भी उनके मौजूद होते हैं। ख्वाब की ताबीर होती है ख्वाब की ताबीर। पहले माना समझ ले ताबीर का, पूछने ना आए मुझे, मेरे पास नहीं है इल्म ताबीर ख्वाब का, सिर्फ माना ताबीर का आता है, बाकी ख्वाब की ताबीर करना नहीं आती। आप कोशिश करें कम ख्वाब देखा करें ताकि ताबीर पूछनी ही ना पड़े, बेदारी में ज्यादा सोचा करें ताकि नींद में ज्यादा ख्वाबें ना देखें, क्योंकि जो चीज नींद में बेदारी में हासिल नहीं होती वो नींद में। मसलन आप खाना ना खाएं, रमजान में उमूमन ख्वाब देखते हैं, जब दिन को रोजे की हालत में सो जाते हैं आप तो क्या ख्वाब आते हैं? खूबसूरत दस्तरखान लगा हुआ है और बिरयानी और समोसे और जो मनपसंद हैं वो सारे, और आप लेटे हुए हैं दस्तरखान के ऊपर और चारों हाथों से पाँव भी हाथ बन जाते हैं, खा रहे हैं आप, लेकिन जब उठते हैं तो फिर भूखे। यानी जो चीज बेदारी में नहीं मिली वो ख्वाब में हम ले रहे होते हैं। लिहाजा आप बेदारी में जितनी फालियत ज्यादा करेंगे आपके रात के ख्वाब इतने कम हो जाएंगे। आप कोशिश करें कि बेदारी में माकूल हदफ व मकसद रखें, लंबी आरजुएं न रखें, ताकि वो महरूमियत सारी रात को ख्वाब में आपको देखनी पड़े और सुबह उठे तो फिर मजा किरकिरा हुआ आपका। बेदारी में उस हद तक इंसान रखे ताकि ख्वाब में मुश्किलात ना हो। उबूर किसी जगह से गुजरने को कहते हैं। उबूर का मतलब गुजरना, पानी से गुजर जाना या किसी जगह से गुजर जाना, ना रुकना ना ठहरना, वहां पर ठहरे बगैर कदम उठा के वहां से गुजर जाना, इसको अरबी जबान में कहते हैं उबूर कहते हैं। उबूर कर गया। इसी से इबारत भी है। बस ये किताब है, इसके अंदर जुमले जो लिखे हुए हैं इनको क्या कहते हैं? अल्फाज इबारत भी कहते हैं। अरबी में भी, फारसी में भी, उर्दू में भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। बस कहते हैं ये इबारत पढ़िएगा, इस इबारत में ये गलती है, इस इबारत को जरा ठीक कर दें, तसहीह इबारत करें। इबारत क्यों कहते हैं? अल्फाज को, एक लाइन को, एक जुमले को क्यों इबारत कहते हैं? इसलिए कि ये जुमला जो इंसान के मुंह से निकलता है ये रुकता नहीं है, मुंह में रुकता नहीं है, मुंह से निकलकर बीच में भी कहीं रुकता नहीं है, बल्कि सीधा कहां जाता है? दूसरे के कान तक जाता है, और कान में भी जाकर रुकता नहीं है। बेशक उंगली दबा ले, लेकिन ये रुकता नहीं है। सीधा कहां पहुंचता है? आपके जहन तक जा पहुंचता है। यानी ये जुमला, ये अल्फाज जब मुंह से अदा होते हैं तो रुकते नहीं है, ठहरते नहीं है, तवक्कुफ नहीं करते। ये नहीं कहते कि अभी मसरूफ है ये आदमी, मसलन आपने बात कर दी और बात गई कान के सामने जाके रुक गई, क्योंकि आप अभी फोन सुन रहे हैं, मसलन आप अभी सोच रहे हैं या आप अभी परेशान हैं, और ये ना जाए कान में, ना, वो फौरन गुजर जाती है। इसका काम ही गुजरना है। अल्फाज, इनको, ये जो हमारे मुंह से आवाजें निकलती हैं, हुरूफ, इनको कहते हैं अल्फाज। अरबी जबान में लफ्ज का मतलब होता है अदा करना, बाहर निकाल देना, फेंक देना। लफ्ज यानी फेंकी हुई चीज, निकली हुई चीज। और जो चीज एक दफा आपने मुंह से निकाल दी दोबारा मुंह में नहीं जाती, मतलब बात करके फिर पीछे से पकड़ के दोबारा मुंह में डाल लें, जैसे ये चिविंग गम खाते हैं, बस बाहर निकाल के फिर मुंह में ले आते हैं, ना। अल्फाज ऐसे नहीं है, एक दफा निकल गए बस निकल गए। लफ्ज उसी को कहते हैं जो एक दफा निकल गया निकल गया। कहते हैं कि लफ्ज, जबान से निकला हुआ लफ्ज कमान से निकले हुए तीर की तरह है। जिस तरह तीर कमान में वापस नहीं आता, लफ्ज मुंह में वापस, इसलिए कहते हैं सोच के बोला करो कि ये अल्फाज वापस नहीं आते, सोच के बोलो, खूब तोलो फिर बोलो, ताकि पशेमान ना हो आप। लफ्ज इस वजह से कहते हैं चूंकि मुंह से निकल जाता है और निकल के फिर ये रुकता नहीं है, जो चीज भी आए उससे उबूर करता है। जमीनी फासला हो उससे उबूर करता है, दरवाजा हो उससे उबूर करता है, दीवार हो उससे उबूर करता है। उबूर करके उस सामने के जहन तक व कान तक जा पहुंचता है। इस वजह से इसको क्या कहते हैं? ये इबारत है। इबारत यानी उबूर करने वाली चीज, उबूर करने वाला मतलब, उबूर करने वाले जुमले व अल्फाज। इसी तरह ताबीर है। आप ख्वाब देखते हैं, ख्वाब में कोई मंजर देखा आपने और उस मंजर को लेकर आते हैं मुअब्बिर के पास, जैसे कुरान मजीद ने ख्वाबें जिक्र की हैं। हजरत यूसुफ ने ताबीर की और जेल के साथियों की। उन्होंने ख्वाब देखा, एक ने ख्वाब देखा कि उसके सर को परिंदे नोच रहे हैं, तो हजरत यूसुफ ने क्या ताबीर की कि तुझे अनकरीब फांसी हो जाएगी। उधर से अजीज मिस्र ने ख्वाब देखी, उसने कहा कि 7 लागर गायें हैं और 7 बड़ी मोटी फरबा गायें हैं, और फरबा गायें लागर गाय को खा गई हैं, निगल गई हैं, ये क्या माजरा है? तो हजरत यूसुफ ने कहा कि इस मुल्क के अंदर 7 साल अच्छी फसल होगी और 7 साल कहत आ जाएगा, कुछ भी पैदा नहीं होगा। ये ख्वाब का ये मतलब है। और किसी से उन्होंने बचा लिया उस ताबीर ख्वाब से। ताबीर यानी जो मंजर आप देखते हैं ख्वाब के अंदर, उस मंजर से गुजर जाएं, उबूर करें, देखी हुई चीज से गुजरें, अनदेखी चीज तक जा पहुंचे। जो मंजर आपने नहीं देखा हुआ, इससे उबूर करके उस तक जा पहुंचे। यानी एक ये जो आपने ख्वाब में देखा है, एक वो जो आपने ख्वाब में नहीं देखा। आपकी ख्वाबों से बाहर एक माजरा है जहां तक आप अभी नहीं पहुंचे, लेकिन इसका उससे राबता है, इसका उससे कनेक्शन है। मुअब्बिर उसको कहते हैं कि जो आपकी ये बात सुनकर उस अनदेखे माजरा तक आपको पहुंचा देता है, कि ये जो आपने देखा है इसका मतलब वो चीज है, यानी उबूर करता है, इसी पे रुकता नहीं। अगर आपने ख्वाब में मसलन दूध पिया है, होता है पीते होंगे दूध ख्वाब में, अब मुख्तलिफ काम ख्वाब में करते हैं, दूध पीता है तो वो मुअब्बिर से जाकर पूछे तो वो कहते हैं आपको इल्म हासिल होगा, ख्वाब में आपने जो दूध पिया है। आजकल तो ज्यादा पेप्सी पीते हैं ख्वाब में, अब पता नहीं क्या होता है इसका ताबीर क्या। कोई हजरत यूसुफ आए बताए कि ये जो ख्वाब में पेप्सी पीते हैं इनका होगा क्या, किस चीज तक उबूर करके जाएं, माजरा क्या है इनका। लेकिन दूध के बारे में कहते हैं कि जो ख्वाब में दूध पिए तो उसका मतलब है उसे इल्म हासिल होगा, वो इल्म की तलाश में जाएगा। मसलन ये उबूर करता है यानी गुजरे आप। एतबार भी इसी को कहते हैं, एतबार यानी एतमाद, इस शख्स पर एतबार करूं, आप कहते हैं ना इस पर एतमाद, एतबार करूं, मोतबार आदमी है, आप कहते हैं भले करो इस पर एतबार करो, या कहते हैं ना काबिल एतबार, इसकी बात काबिल एतबार नहीं है, ये शख्स खुद काबिल एतबार नहीं है, यानी एतमाद ना करो। एतमाद करने का मतलब क्या होता है, यानी हम जिस शख्स को कहते हैं ये काबिल एतबार है या एतबार नहीं है, मोतबर है या मोतबर नहीं है, यानी मैं आया उबूर कर सकता हूं इसके जरिए से, इसका सहारा लेकर इस चीज से उबूर कर सकता हूं। इतना उबूर को सहारा देने के लिए है, जिस तरह मसलन आप पुल से उबूर करना चाहते हैं, एक पुल से गुजरना चाहते हैं लेकिन पुल है काबिल एतबार नहीं है, काबिल एतबार नहीं है, यानी आप पुल के ऊपर गुजरे उबूर करें तो आपके इस उबूर को सहारा नहीं दे सकता। मोतबर लोग कौन है कि अगर जब उबूर करना चाहें, मसलन कोई मोतबर आदमी है, आप उसको कोई अपनी बात बताते हैं राज की, ताकि इसके जरिए से कोई और काम हल करें। फर्ज करें आप उसको ये कहते हैं कि जी भाई इधर एक प्लाट है और हम चाहते हैं कि ये प्लाट मसलन मस्जिद के लिए ले लें, तो आप हमें मशवरा दें या आप हमें राय दें कि इसको कैसे हम ले सकते हैं मस्जिद के लिए। तो वो उसे आगाही मिल गई कि बस एक खाली प्लाट मौजूद है, जाता है फौरन लैंड माफिया के पास और उनको जाकर कहते हैं जल्दी करो ये मोमिन मस्जिद के लिए प्लाट सोच रहे हैं, तुम पहले ही जाकर उस पर कब्जा कर लो। देखा कि आप उबूर करना चाहते थे, यानी इस शख्स को सहारा करार देकर आप मस्जिद के लिए प्लाट लेना चाह रहे थे, लेकिन ये सहारा नहीं बना, इसने धोखा दे दिया आपको। आप कहते हैं ये काबिल एतमाद आदमी नहीं है, काबिल एतबार नहीं है, यानी इसके जरिए से, इसका सहारा लेकर कभी भी अपने मकासद तक इंसान उबूर नहीं कर सकता। ये बीच में डांच दे जाता है, ये बीच में धोखा दे जाता है, यहाँ पर काबिल एतबार नहीं है। इबरत किस चीज को कहते हैं, इबरत वो वाकयात जो रुनवा हो चुके हैं इंसानी आबादी के अंदर, इंसानी मुआशरे के अंदर, उम्मत मुसलमा के अंदर, गुज़श्तगान के अंदर, मौजूदा लोगों के अंदर, मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो वाकयात हो चुके हैं। हर वाकया किसी सबब से पैदा हुआ है। फर्ज करें अगर आप गुजर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, आपने देखा एक एक्सीडेंट हुआ है, बहुत ही बद तरीके से एक्सीडेंट हुआ है, बहुत बुरा एक्सीडेंट है, गाड़ी पिचकी हुई है, खून रोड पर पड़ा हुआ है, वहां लोग जमा है और आपने ये मंजर देख लिया, तो आप जन्नाटे से वहां से गुजरे नहीं, बल्कि क्या करें, रुकें और रुककर इबरत लें। इबरत से मुराद क्या है कि ये मंजर, ये नजारा जो आपके सामने है, इसे गौर करें और गौर करके उबूर करें। उबूर करने का मतलब नहीं कि एक्सीलेटर दबाएं, जल्दी एक्सीडेंट की जगह से भागे कि कहीं जख्मी को अस्पताल न पहुंचाना पड़े, इस तरह से उबूर न करें। उबूर करने से मुराद क्या है, यानी वहां पर जख्मियों की मदद करें, बेशक रुक कर, अगर अब टाइम है आपके पास तो मुश्किल में नहीं पड़ते तो वहां मदद करें, बल्कि अखलाकन करनी चाहिए, मुश्किल में है तो भी पहले दूसरों की मुश्किल दूर करें आप। इबरत से क्या मुराद है, इबरत से मुझे मुराद है कि ये जो वाकया हुआ, ये जो हादसा हुआ, ये जो एक्सीडेंट हुआ, ये जो गाड़ी मसलन टूट गई और अफराद उसके जख्मी हुए या खुदा न खास्ता जान बहक हो गए, आप उबूर करो इससे। उबूर का मतलब यानी इस वाकया और इसके असबाब, इसकी वजूहात में गौर करो और फिर ये नतीजा और ये सबब यहां से लेकर उबूर करके अपनी तरफ हो कि मैं भी तो गाड़ी चला रहा हूं, ये वाकया ओवर स्पीड से हुआ है, मैं भी ओवर स्पीड में गाड़ी चला रहा हूं, और ओवर स्पीड ये अंजाम होता है उसका। बस अगर मैंने भी यही काम किया जो इसने किया है, मेरा भी यही अंजाम होगा और मैं इस अंजाम को पसंद नहीं करता। बस फौरन अपनी स्पीड कम कर लो। इसको कहते हैं इबरत लेना, किसी माजरा से इबरत लेना। आपने देखा कोई आदमी किसी मुश्किल में पड़ा हुआ है, तो ये मुश्किल में क्यों पड़ा, इसलिए कि इसने ये हरकत की है। फर्ज करें एक आदमी को कैद करके जेल ले जा रहे हैं, वो इंसान देखे उबूर करे, क्या किया इसने। आज शहर भर में, भरे शहर में बेआबरू जा रहा है, हथकड़ियां व तोप व जंजीर के साथ जा रहा है, क्यों जा रहा है, इसने क्या किया है। वो बताते इसने मसल फलां का हक मारा है, इसने फलां का हक खाया है। फौरन उबूर करो कि अगर हक तलफी करूं तो ये अंजाम होता है, अगर मैंने भी किसी की हक तलफी की तो मेरा भी यही अंजाम होगा। और ये अंजाम मैं चाहता नहीं, जब मैं ये अंजाम नहीं चाहता तो मुझे इस अंजाम की राहों पर भी नहीं जाना चाहिए। इसको कहते हैं इबरत लेना। इबरत लो आप। और कुरान मजीद ने फरमाया है कि खुदावंद ताला ने हिदायत इन तमाम वाकयात के अंदर तुम्हारे लिए हिदायत रखी है। यानी जमीन पर जो हादसा होता है, जो वाकया होता है, खुशगवार व नागवार, वो वाकया सिर्फ दूसरों से ताल्लुक नहीं रखता, तुमसे भी ताल्लुक रखता है। ये जो हमें कहा गया कि अगर कोई मोमिन फौत हो जाए, वफात पा जाए, फौरन उसके कफन व दफन व जनाजा व तशई में हाजिर हो और उसके रसूमात में हाजिर हो और अपने हाथ से उसको लहद में उतारो और उसके लिए सारा इंतजाम सब मोमिनीन मिल के करो। ये हुकूक मैयत में से है इंसान के ऊपर। किस लिए? तो इसके तीन वजूहात हैं। एक तो खुद मैयत का हक है कि ये मोमिन का एहतराम है, इसके एहतराम में आपको जाना चाहिए। दूसरा, जो इसके बाजमानदगान हैं, जो अजीज है, रिश्तेदार हैं, जिनको इसकी मौत से सदमा पहुंचा है, उनको जाकर तसलियत व तसल्ली दो, ताजियत कहो, यानी उनको ढारस दो जाकर, न कि और मजीद दिल दुखाओ उनका। उनको ढारस दो, उनको हौसला दो कि ये आपका अजीज फौत हो गया, आप सब्र करो, अल्लाह आपको सब्र दे, खुदा आपको भरोसा दे इंशाल्लाह। तो अल्लाह है, आप घबराओ मत, खुदा करीम है, ये उठ गया साया, खुदा और साया आपके लिए फराहम कर देगा। ऐसे जुमलों के जरिए से उनके मैयत के लिए मगफरत तलब करो और इन्हें तसलियत और ताजियत करो। हो क्या हम जनाजे के अंदर या दूसरों की मौत मर्ग में शिरकत सिर्फ मैयत के लिए और मैयत के वरसा के लिए जाते हैं? अमीरुल मोमिन फरमाते ना, अपने लिए भी जाओ। तीसरा पहलू यह कि अपने लिए जाओ। अपने लिए किस लिए जाओ? इसलिए कि ये जो लेटा हुआ है जनाजा, सांस नहीं ले रहा, दिल की धड़कन बंद हो गई है, आज इस तख्त पर ये लेटा हुआ है, उबूर करो। जो ही मैयत को देखते हो फौरन इबरत लो। इबरत क्या लो? कि आज इस तख्त पर यह लेटा हुआ है, कल इस तख्त पर मैं लेटा हुआ होगा। आज ये किस आलम में गया है? देखिए, लेटा हुआ है, ना हाथ हिला सकता है, ना पांव हिला सकता है, ना लब हिला सकता है। जो कुछ इसने कमाया था वो यहीं रह गया, सबसे ताल्लुक टूट गया, सबसे राबता टूट गया, ना पहचान रहा है, ना सुन रहा है, ना बोल रहा है। जिस जिससे मोहब्बत थी वो मोहब्बत भी यहीं पर खत्म हो गई, सब कुछ नागहान यहीं पर रुक गया। तो मैं भी तो कल इसी तख्त पे लेटा हुआ और आज जिन चीजों से मेरा ताल्लुक है, मेरा ताल्लुक भी इन सब चीजों से कट चुका होगा। कल इस ताबूत में मैं होऊंगा, कल इन लोगों के कंधों पर मैं होऊंगा, कल इस लहद में मुझे उतारा जा रहा होगा। इबरत लो, हर चीज से इबरत लो। लेकिन होता यह है कि इंसान इबरत नहीं लेता, इन मनाजिर को देखता है, इबरत नहीं लेता, बल्कि उसमें गर्क हो जाता है, उबूर नहीं करता, डूब जाता है। पानी जहां पर मौजूद हो, पानी से उबूर करो, नहर से उबूर करो। बाज नहर में नहाना शुरू करते हैं, मछलियां पकड़ना शुरू कर देते हैं, शिकार शुरू कर देते हैं, उसी में गोते लगाना शुरू कर देते हैं। ना, दरिया से उबूर करो, इधर से उस तरफ जाओ, बीच में पुल है, इस वाजरा को पुल बनाओ, उस तरफ जाओ। यानी एक वाकया इस तरफ है, एक माजरा उस तरफ है। जो हो चुका है उससे गुजर उसकी तरफ, जो अभी अंजाम नहीं पाया, जो वकू पजीर नहीं हुआ, और इससे पहले कि वो वकू पजीर हो पहले अपने लिए सोच ले, एहतमाम कर ले, इंतजाम कर ले, पहले अपनी हिफाजत और निजात के लिए इंतजाम कर ले, उबूर कर। लेकिन हम अक्सर उबूर नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, गर्क हो जाते हैं, डूब जाते हैं, खेलना शुरू कर देते हैं। अगर किसी की मैयत को देखते हैं वहां पर क्या कहते हैं, क्या छोड़ के मरा, कुछ छोड़ा भी इसने या ऐसे ही चला गया, सब कुछ खा के मर गया। इबरत नहीं लेते, अपनी तरफ नहीं आते कि मुझे भी मरना है। डूब जाते हैं, उसी के अंदर डूब जाते हैं, कैसे मरा, कैसे फोत कैसे हुआ, अस्पताल लेके गए, क्यों ये नहीं किया, क्यों वो नहीं किया। भाई किया, सब कुछ किया, तूने मैयत देखा है, उबूर कर, तू अपनी फिक्र में चला जा। हमारी जिंदगी में अभी तक हर एक ने, बच्चों ने भी सैकड़ों मैयत देखे हुए, सैकड़ों जनाजे। आजकल मीडिया रोज ही दिखा रहा है, वो कितनी दफा हमने उबूर किया। एक दफा भी एक मैयत देखकर, जो कब्रिस्तानों में कहा गया कि आप जाया करो, कब्रिस्तानों में जाने की ताकीद है कि जाया करो कब्रिस्तानों में, हफ्ते में एक दिन जरूर जाया करो। जुमेरात और जुम्मा मुस्तहब दिन है आप कब्रिस्तान में जाने के लिए। जो मोमिनीन के कब्रिस्तानों में जाओ, सिर्फ न कि अपने रिश्तेदारों के, मोमिनीन के कब्रिस्तानों में जाओ और हतमन जाओ, हफ्ते में एक दिन जरूर जाओ। आप किस लिए जाओ, कि नजर न्याज चढ़ाने के लिए, हाजतें मांगने के लिए। इस कब्र पे एक झंडा, उस कब्र पे एक झंडा, इधर एक मोमबत्ती, उधर एक अगरबत्ती, इधर ये काम, उधर वो काम। ना अजीजमान, इसलिए नहीं भेजा जा रहा इस मुर्दिस्तान में आपको। किसके लिए भेजा जा रहा है, इबरत के लिए भेजा जा रहा है। उनको कहो जाकर, अस्सलाम वालेकुम या ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ अहले ला इलाहा इल्लल्लाह, आप पर सलाम हो। ऐ अहले ला इलाहा इल्लल्लाह, आप इस दुनिया से चले गए, ऐ अहले ला इलाहा इल्लल्लाह, वो खुदा के वादे जो आपसे किए गए वो आपने पाए या नहीं पाए। और फिर क्या कहो, ऐ अहले ला इलाहा इल्लल्लाह, अनकरीब मैं भी आपसे मुल्हक होने वाला हूं, अनकरीब मैं भी आपसे मिलने वाला हूं। जितने जनाजे हमने उठाए, जितने जनाजों को हमने कंधा दिया या आंखों से देखा, अगर एक में भी इबरत ली होती हमारी जिंदगी बदल जाती। एक जनाजा काफी है इंसान की जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन इंसान शकी हो जाता है। जैसे कल इशारा किया था एक मतलब की तरफ कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जब जंग सफीन के लिए कूफा से दमिश्क जा रहे थे, रास्ते में एक जगह दहकान, किसान, अंबार शहर के इकट्ठे हुए। उन्हें पता चला हमारे मौला आ रहे हैं, उन्होंने इस्तिकबाल किया। इस्तिकबाल के लिए तरीका यह किया कि ग्रुप बनाया, टीम बनाई, हल्का बनाया और जाकर अमीरुल मोमिनीन के आगे आगे दौड़ना शुरू किया, भंगड़ा और धमाल और उछलना और कूदना और मसल साथ वेर तो जिक्र शुरू किया। अमीरुल मोमिनीन को बहुत गजब चढ़ा और पूछा, मा हादल्लज़ी सनातुमू, ये क्या कर रहे हो तुम, ये क्या अंजाम दे रहे हो। कहा कि ये आपका इस्तिकबाल कर रहे हैं आपको खुश करने के लिए। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि इससे मुझे कोई फायदा नहीं, न किसी और हाकिम को फायदा है, तुम्हारे भंगड़े से, तुम्हारी धमाल से मुझे कोई फायदा नहीं। ये नज़्म बलागा की 37 नंबर हिकमत है। फरमाया तुम्हारी धमाल से मुझे कोई फायदा नहीं है। फिर फरमाया कि ये तुम्हारे लिए दुनिया में मुशक्कत है और आखिरत की शकावत है, ये शकावत का बाहिस है। हज की रिवायात में है कि जो ही हज खत्म होता है फौरन मक्का छोड़ो। क्यों छोड़ो, इसलिए कि अगर आप हज के बाद उधर रुके रहे शकावत तारी होती जाएगी आपके ऊपर। शकावत यानी दिल शकी हो जाएगा, अश्किया बन जाओगे, सख्त हो जाएगा। जिस तरह करबला में अश्किया थे, बच्चों को कत्ल करने में उन्हें किसी किस्म की कोई झिझक नहीं होती थी। शकावत जब इंसान के दिल पर आ जाए, अब बुसर इब्न अबी अर्ताक एक दहशतगर था अमीरुल मोमिनीन के जमाने में, शामी दहशतगर था, दमिश्क से उसका ताल्लुक था और ये बड़ी कार्रवाइयां करता था शियों के ऊपर, अमीरुल मोमिनीन के पैरोकारों के ऊपर, और बड़ी दहशत इसने फैलाई हुई थी। जहां जिस शहर में ऐलान होता बुसर आ गया है, वो शहर वाले भाग जाते। यमन शहर में ये गया अपने ग्रोह लेकर दहशतगर्दों का, यमन का वाली भाग गया जब उसको पता चला बुसर आ गया है, यमन से भागता हुआ कूफा आ गया अमीरुल मोमिनीन के पास। अमीरुल मोमिनीन ने पूछा कि तू वाली था, तू इधर क्या कर रहा है। कहा रिपोर्ट देने आया हूं, आपको खबर देने, गुजारिश देने आया हूं कि वहां दहशतगर्द घुस गया है वहां पर। यह इतना शकी इंसान था कि इसमें इसी वाली के उबैदुल्ला के दो बच्चे कमसिन शीरखार वो पकड़े, मैदान शहर में ले आया। उनकी मां रोती हुई चीखती हुई बच्चों को छुड़ाने इस दरिंदों से वो भी आ गई उसी मैदान शहर में, चौक में आ गई और सब के सामने और मां के सामने उन बच्चों को टांगों से पकड़कर जिंदा चीर दिया उसने। इस कदर शकी इंसान, ये शकावत आ जाती है, शकावत आ जाती है, दिल के अंदर कसावत आ जाती है। कुरान मजीद में है कि सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बअद ज़ालिक फहिय कल हिजारा, तुम्हारे दिल इतने सख्त हो गए कि पत्थर, और अशद कसवतन, बल्कि पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो गए तुम्हारे दिल। कसावत का मतलब यह होता है कि इंसान के दिल में जाता कुछ भी नहीं है, और शकावत का मतलब यह है कि इंसान के अंदर रहम नहीं होता, रहम खत्म हो जाता है इंसान का। शकावत कल्बी ये हिदायत के काबिल नहीं रहता। अमीरुल मोमिनीन ये फरमा रहे कि ये भंगड़े, ये दमाल, ये तुम्हारे खुद साख्ता उमूर जो मुझे खुश करने के लिए कर रहे हो, ये तुम्हारी दुनिया की मुशक्कत और आखिरत की शकावत है। एक ये कि कसरत से इंसान जिस चीज के साथ माशूर होता है उसमें शकावत आ जाती है। जब कसरत, आप रोज एक मुर्गी जबा करें, रोज पेशा बना लें, आखिरकार आपका दिल सख्त हो जाए, शकावत आ जाए। बाज पेशे कराहत है उनके अंदर, क्यों कराहत है? मसलन मुर्दाशूरी और मुर्दे दफन करने का पेशा, ये फरीजा है, मोमिनीन करें ये काम, पेशे की बात हो रही है, इसको अपना पेशा ना बनाएं, क्योंकि पेशा बनाओगे तो शकावत आ जाएगी। मुर्दे कब्र में उतार उतार के सख्त हो जाता है इंसान, इबरत लेना छोड़ देता है। शकावत की एक अलामत यह है कि इंसान इबरत नहीं लेता, यानी जिस माजरा को, मंजर को देखता है उससे अपनी तरफ मुंतकिल नहीं होता, उबूर करके अपनी जात तक नहीं आता, इबरत नहीं लेता, शकावत आ जाती है। हम इतने जनाजे देखते हैं, शकी हो गए हैं, दिल सख्त हो गए हैं हमारे, अब हम उबूर नहीं करते, इबरत नहीं लेते। और उस वक्त अमीरुल मोमिनीन की निफरीन व बद्दुआ है उन लोगों के लिए कि जो मेबर देखते हैं लेकिन इबरत नहीं लेते। हजरत का फरमाना है कि मा अक्सर अल इबर वह अकल अल एतबार, इबरत के मकामात कितने हैं और इबरत लेने वाले कितने कम हैं, कितनी इबरत की जगह हैं और कितनी कम इबरत ली जाती है। इससे इबरत यकीन का एक जरिया है, यह यकीन का एक शोबा है। इंसान को कहां से यकीन हासिल होता है? इबरत लेने से हासिल होता है। आप तारीख को पढ़ें, कुरान कह रहा है कि यह सुन्नतुल अव्वलीन व सुननुल अव्वलीन, ये गुज़श्ता लोगों के किस्से हैं। हमने इसी गुज़श्ता माह मुबारक रमजान में अल्लाह ताला की एक तौफीक थी, एक बास शुरू की कि सुनने इलाही, यानी सुनने इलाही यानी वो उसूल जिंदगी के जो खुदावंद तबारक व तआला ने मुकर्रर किए, जो साबका उम्मतों के अंदर भी लागू और जारी रहे हैं। कुरान दावत दे रहा है कि इन सुनन को पढ़ो, इनमें गौर करो। सीरू फिल अर्ज़ फंज़ुरू कैफ़ काना आक़िबतुल मुकद्दिबीन, आप जमीन में निकलो, मुतालिया करो, सर्च करो, गौर करो, देखो कि खुदा ने क्या किया, जुटलाने वाले मुकज़्ज़बीन के साथ अल्लाह ने क्या किया। अब ये गौर करो, आप फिक्र करो जाकर। हम नहीं निकलते, हम गौर नहीं करते, हम तवज्जो नहीं करते, इबरत नहीं लेते। देखो कौम आद और समूद का किस्सा, दीगर कौमों का किस्सा, सब इबरत के लिए है। बनी इसराइल के वाकयात इबरत के लिए हैं। आज की दुनिया में जो कुछ हो रहा है इबरत के लिए, हत्ता करबला इबरत का मैदान भी है, जहां और बहुत सारे उसके उन्वान हैं, वहां एक उन्वान यह है कि करबला से इबरत लो। इबरत यानी नसीहत लो। यकीन का ये जुज़ कंप्लीट होता है जब इबरत के मकाम से नसीहत लो। और बात चीजें बहुत बुनियादी उसूल हैं दीन के, लेकिन गोलमोल हैं। गोलमोल से मुराद यानी उनकी मुराद क्या है वाजे नहीं है। मैं पहले भी एक मजलिस में मिसाल दी, मसलन हम कुरान खोलें तो जिक्र शुरू होता है खैर का, खैरुन लहुम, अगर ये काम करो तुम्हारे लिए खैर है, इसमें खैर है, फस्ताबिकुल खैरात, खैर खैर खैर। खूब किसी से पूछे खैर क्या है? नेकी, अच्छाई। अच्छाई क्या है? खैर। खैर को खोल नहीं सकते, मुबहम इजमाल है उसके अंदर, और जो चीज मुबहम हो गोलमोल हो, समझ में ना आए। मसलन आपके सामने कोई चीज ऐसी बंद करके पैकेट में रख दे जो आपको पता ना चले है क्या है, खाने की है, पीने की है, सुनने की है, चखने की है, किसकी है, मोबाइल है, कोई और किसी शोबे की चीज है, ऐसा समझ नहीं आ रही है क्या है। जब है ही नहीं है तो आप उससे इस्तेफादा भी नहीं कर सकते। अगर खाने की चीज है लेकिन आपको समझ नहीं आ रही है खाने की है, आप कभी खा नहीं सकते उसको, आप कभी तनावुल नहीं कर सकते जब तक वो खुले नहीं और जब तक वो वाज़ेह ना हो कि ये क्या है और किस काम आती है। मुजमल चीजें, गोलमोल चीजें, मुबहम चीजें, जो उमूमन हम ऐसे गोल-गोल चीजें, गोलमोल चीजें, गोलमोल दीन पेश करते रहते हैं मेंबरों पे बैठकर, खोले बगैर, वजात किए बगैर, चूंकि ना वजात करने का हौसला है किसी में, ना वजात सुनने का हौसला है, ना बोलने वालों में ना सुनने वालों में हौसला नहीं है, हिम्मत नहीं है। लिहाजा वो कहते हैं बस शॉर्ट शॉर्ट चीजें बताते जाओ कि जन्नत किस रूट से जाना है, टिकट दो अभी और खत्म करो बात को। दीन गोल गोल रह गया, दीन मुबहम रह गया, इसलिए कंफ्यूजन है, हर शोबे के अंदर कंफ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा क्या होगा, इससे क्या मुराद है। और गोलमोल चीज, गोलमोल दीन मुश्किल हल नहीं करता जब तक वाजे ना हो, उसकी हर चीज वाजे हो, डिटेल में पता हो, सबको मालूम हो कि ये दीन का ये मतलब क्या कहना चाह रहा है। इसी तरह की एक चीज जो गोलमोल है वो नसीहत है। उमूमन हम नसीहत से क्या समझते हैं, ये बच्चे, छोटे, जवान सबसे ज्यादा जिस चीज से डरते हैं वो नसीहत है, और जिसका भी मूड देखते हैं अभी नसीहत वाला है, भाग जाते हैं वहां से। डांट सुन लेते हैं नसीहत, मसलन आप बच्चे को मार लो इतना नाराज नहीं होता जितना नसीहत करने से नाराज होता है। नसीहत क्या है कि अभी बैठ जाएंगे और मुझे मसलन समझाएंगे कि ये काम ठीक नहीं है, ये करो, ये ना करो, इसको हम कहते हैं ये नसीहत है। यानी हर वो काम जो हम खुद नहीं करते दूसरों से कहना, इसको क्या कहते हैं, ये नसीहत है। वो खुद भी कहते हैं कि अगर इतना अच्छा है तो खुद क्यों नहीं करते। मसलन बाप बेटे को नसीहत करता है कि टाइम पे सो जाओ, सुबह तुम्हें स्कूल जाना है, वो कहते हैं कि टाइम पे सोना इतना ही अच्छा है तो एक दिन खुद सो के दिखाओ, आप टाइम पे सो जाओ एक दिन, खुद आते हो मसलन 1-2 बजे घर में और मुझे कहते हो कि आप टाइम पर सो जाओ। नसीहत यानी दूसरे को अच्छी बातें कहना, दूसरे को मसलन वाज करना कि ये अच्छा काम है, ये करो, ये गलत काम है, ये ना करो, आप इसका अंजाम बुरा, इसको हम कहते हैं नसीहत है। ना ये नहीं है नसीहत का माना, ये हिंदी माना है नसीहत का, कुरानी माना नहीं। नसीहत कुरान की इस्तिलाह में, अरबी जबान में नसीहत कहते हैं सिलाई करने को, नसाहा या नुस यानी सिलाई करना। सिलाई करना, कोई चीज फट जाए उसको सीना, ये नसीहत है। और ऐसी चीज जिसमें मिलावट आ जाए उसको खालिस करना, किसी चीज के अंदर कोई दूसरी चीज मिक्स हो गई है, आप उसको खालिस कर रहे हैं, उससे आलूदगी या मिलावट निकाल रहे हैं। होता है घर के अंदर कभी मिक्स हो जाती है कोई चीजें, किसी चीज में दूसरी चीज चली जाती है, फिर वो उसको अलग करते हैं। ये दो माना किए गए हैं, यानी जिस चीज में मिलावट चली गई हो उसकी मिलावट को दूर करके उसको खालिस करना, और एक ये कि जो चीज फट गई हो उसको सी देना। आजकल तो पतलूने जानबूझ के फाड़ के पहनते हैं कि ये फैशन है, ये अपर क्लास की अलामत है। किसी जमाने में गुर्बत की अलामत थी, अभी अपर क्लास की अलामत है। वो पुराने बेचारे जो फटे पुराने कपड़े पहनने में शर्म महसूस करते थे, आजकल फख्र महसूस करते हैं कि फटी हुई पतलून पहनी हुई है ना। बाहर का शैतानी कल्चर है, शैतानी तहजीब, ये शैतान परस्ती की अलामत है, ये जहन में रखना। फटी पतलूने पहनना ये शैतान परस्ती एक मसलक है पूरा इस वक्त दुनिया के अंदर, और उनका नजरिया ये है कि शैतान ताकत का मंबा है, और वाकई ताकत तो है शैतान के अंदर। और उनका ये कहना है कि हम अगर शैतान के नजदीक हो जाएं तो वो ताकत हमारे अंदर भी पैदा हो जाती है, शैतान की कुर्बत हासिल करने से वो ताकत हमारे अंदर पैदा हो जाती है। वो किस तरह से कुर्बत हासिल करें, उन्होंने खास इसके लिए तरीकाकार वजह किया हुआ है कि ये मसलन आप देखें, ये बहुत सारे लोग हैं कड़ियां पहने होते हैं बाजुओं में, इधर कानों में कुछ डाला होता है, इधर सुराख करके बदन के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर बालियां डाली होती हैं, मेटल डाला होता है, और उन्होंने जूते अजीब किस्म के मोटी मोटी एड़ी वाले जूते पहने होते हैं, पीछे मर्दों ने लिटे रखी होती हैं और मुख्तलिफ इनकी अलामतें हैं मुख्तलिफ जो इन्होंने इख्तियार की होती हैं। ये शैतान परस्ती का मकतब है। बाकायदा अभी तालीम देते हैं, बताते हैं कि किस तरह क्या क्या काम करोगे कुर्बत शैतान तुम्हें हासिल होगी और उससे तुम्हारे अंदर ताकत आ जाएगी, और जब ताकत आएगी फिर जो मर्जी है काम करो, आप किसी के आप मुसखर नहीं होगे, कोई पुलिस दुनिया की कोई फौज आप पर काबू नहीं पा सकती। ये शैतान परस्ती है। उनमें से एक उन्होंने अलामत शैतान परस्तों के लिए फटी हुई पतलूने राज की हैं, जीन्स वगैरह, कि ये पहनो ताकि ये जो भी फटी हुई पतलून पहनता है, अब यहाँ फैशन के तौर पर पहनते हैं पाकिस्तान में, लेकिन वहां पर अगर पहने उन ममालिक में जहाँ शैतान परस्ती बाकायदा एक मकतब के तौर पर है, तो वो इसको अपना पीरपाई समझते हैं। जो फटी हुई पतलून पहने वो समझते हैं ये अपना है, हमारा है। जिस तरह वहां और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये अलामतें पहनी की हुई हैं। अलामतें मसलन ये चूंकि शहवानी तहजीब है वहां पर, ये हम जिन्स परस्त, इन्होंने अलामतें अपने जिस्म के साथ या अपने ओलिया में बनाई होती हैं और दूसरा समझ जाता है कि ये हम जिन्स परस्त है। ये अलामतें यहां पर वही अलामतें फैशन के तौर पर हैं। अगर यही अलामतें पहन के उन इलाकों में चले जाएं तो वो समझेंगे ये हम जिन्स परस्त है। ये इंसान हर चीज जो आपकी मार्केट में आती है, अजीजान जवानान, देखो उसको, गौर करो पहले कि ये शैतान परस्ती तो नहीं है। ये फटी हुई पतलूने शैतान परस्ती, उल्टी उल्टी मसन वो सिलाई शैतान परस्ती है। गरज फटती है जब कोई चीज, उसको सिया जाता है, सिलाई की जाती है, और फटी हुई चीज को सीने को अरब क्या कहते हैं? नसिया, नुस, नासे, यानी जो चाक चीजों को रफू करे, रफू सीने को कहते हैं, चाक फाड़ने को कहते हैं। खूब, अगर किसी का दामन चाक हो जाए तो चाक दामन को रफू करने की जरूरत है। हमने क्या सीखा है? दूसरों के गिरेबान फाड़ना, गिरेबान चाक करना, यानी दूसरों को बेआबरू करना, दूसरों के ऐब, क्योंकि फटी हुई जगह जहां होती है वहां ऐब नुमाया होता है। अगर किसी का मसलन लिबास फट जाए, नीचे से बदन नजर आता है, तो ये सतर है, फट गया, ऐब नजर आ रहा है, ऐब नजर आ रहा है आपका, न नजर आए, शर्मगाह नजर आ रही है, न नजर आई है। ये बदन जन और मर्द का ये पूरी शर्मगाह है, यूं नहीं कि सिर्फ बदन के खास हिस्से शर्मगाह है। रिवायत में है कि अलमरअतु कुल्लुहा औरत, ये जो अरबी जबान में हम कहते हैं ना औरत, खवातीन को क्या कहते हैं? औरत। अरबी जबान में औरा शर्मगाह को कहते हैं, इस रिवायत की वजह से कि अलमरअतु कुल्लुहा औरा, यानी पूरा वजूद खातून का सर से लेकर नाखून तक, वो समझे कि ये सब शर्म की जगह, मुझे छुपाना है, यानी अपना बाजू भी छुपाना है, मुझे अपना सर छुपाना है, गर्दन छुपानी है, आस्तीन छुपानी है। नहीं है कि गर्मी का मौसम है मैं वो आधी आस्तीनें पहन लूं। मर्द के लिए भी बेहयाई ना पहनेंगे, ये शर्म की जगह छुपा के रखें जहां से बेहयाई टपकती है। अस जुमला जो चीज फट जाती है उससे इंसान की शर्मगाह नुमाया हो जाती है, यानी बदन का कोई हिस्सा मिलाकर नुमाया हो जाता है। अगर किसी की पुश्त से, पीठ के पीछे से कमीज फटी हुई है और उसका तन नजर आ रहा है, वो शर्मगाह नजर आ रही है उसकी, क्योंकि तन शर्मगाह है इंसान की। शर्म आनी चाहिए। शर्मगाह से मुराद यानी जिसको देखने से शर्म महसूस हो इंसान को, जो उड़ियान होने से शर्म महसूस हो इंसान को। ये शर्म की जगह छुपा के रखो, और अगर फट गई है तो क्या करो? उनको रफू करो, रफू यानी सीलो उसको। इसलिए कहा गया कि नसीहत, नसीहत यानी चाक गिरेबानों को रफू करना। अजीज मन, बहुत सारे लोग हैं दुनिया के अंदर जिनकी इज्जत व आबरू खतरे में होती है, किसी भी वजह से खतरे में पड़ गई है, उनका गिरेबान चाक होने वाला है, उनका दामन चाक होने वाला है। ये चाक दामन रफू करो, यानी दूसरों के दर्द, दूसरों के जख्मों को सीओ जाकर, दूसरों की परेशानियों को जाकर हल करो। इसको कहते हैं नसीहत है। ये नसीहत करो। ये जवान ये मोहताज नसीहत है। क्यों मोहताज नसीहत है? इसलिए कि चाक गिरेबान हो रहा है, चाक दामन हो रहा है, बेआबरू हो रहा है, बेइज्जती के रास्ते पर चल पड़ा है। आप इसको रफू करो, इसकी उरियानी को खत्म करो, रफू करो। उम्मत एक दूसरे को नसीहत करे, नासे बने, यानी जब भी देखो कोई मोमिन दूसरा उसके घरेलू मसाइल, उसकी जिंदगी, फर्ज करे अगर कोई मकरूज है, उस कर्ज की वजह से उसकी आबरू खतरे में है, लोग आते हैं सुबह शाम आकर उसकी आबरू खतरे में है, तो आप क्या करते हो, नसीहत क्या करते हो? किसने कहा था कर्ज लो? कर्ज लेने को किसने? ये नहीं है नसीहत, ये फजीयत है, इसको नसीहत नहीं कहते। नसीहत क्या है कि उसकी आबरू इस अमल की वजह से खतरे में है, तुम रफू करो जाकर उसको। नसीहत का मतलब क्या है? यानी उसको तदबीर बताओ ताकि अपना कर्ज अदा करे, उसके साथ ताउन करो ताकि अपना कर्ज अदा करे। अगर किसी के घर के अंदर कोई मुश्किल है, फर्ज करो किसी की जवान औलाद है और वो बेरा रवि का शिकार है, आप जाकर नसीहत करो। नसीहत का क्या मतलब है? ये ना कहो अपने बेटे को कंट्रोल करो, ये ना कहो कि तुम्हारा बेटा तो ऐसा है फला है, ना, ये नसीहत नहीं है। उसको बताओ, तरबियत औलाद का तरीका बताओ उसको, उसको बताओ किस तरह अपने घर को संभाले, किस तरह अपनी औलाद को संभाले, किस तरह जवान बेटे और जवान बेटी को संभाले ताकि मुआशरे के अंदर उसकी आबरूरेजी ना हो। ये नुस्ख है, ये नसीहत है, जिससे आप चाक चीजें, चाक गिरेबान रफू करो, चाक दामन रफू करो। कुरान हुक्म देता है नसीहत का, नासे बनो, न कि लोगों को समझाओ, मगजमारी करो, उनके साथ मगज खाओ उनका, इसको नहीं कहते नसीहत। खुश को खाली बातें करना नसीहत, यानी वाकई लोगों के दर्दों का मदावा करो, इन जख्मों को सियो। वो जख्म जो दूसरे लगाते हैं, नासहीन का काम है उन जख्मों को सीना, उनको रफू करना ताकि ये जख्म खराब ना हो, ये जख्म मुंदमिल हो जाए। मुआशरे के जख्म, मोमिनीन के जख्म, उनकी जिंदगियों के जख्म। एक चीज जो रफू कर सकते हैं आप, इबरत है। इबरत की जगह से नसीहत लो। इबरत की जगह से नसीहत का मतलब क्या है? यानी एक मंजर, एक माजरा, एक हालत देखी तुमने, फौरन उससे सीखो कि मेरा जो चाक दामन है, मेरी जो मुश्किल है, मेरी जो आबरू जा रही है, मैं उसको कैसे रफू करूं। देखो उसने नहीं किया, क्या मंजर हुआ, बस मुझे फौरन रफू करने की जरूरत है, मुझे फौरन में मुश्किल हल करने की जरूरत है। अगर किसी को असीर देखो, अपनी आजादी जो खतरे में है, और जिस जगह से खतरे में, उसको रफू करो ताकि आपकी आजादी खत्म ना हो। अगर किसी को बेरा रवि का शिकार देखो, अपनी मुश्किल को रफू करो, उसके जरिए से सीखता है इंसान, दूसरों को देखता है, उससे सीखता है इंसान, इबरत लेता है इंसान। अगर आपने देखा किसी को उसकी शर्मगाह नंगी है, तो उस पे ना फिक्रे कसो, उस पे ना हंसो, इबरत लो। क्या करो, ये देखो कि कहीं मेरी शर्मगाह तो नंगी नहीं है, यूं तो नहीं कि मैं उरियान हो रहा हूं, मैं बेहया हो रहा हूं। अगर हो रहा हूं, फौरन रफू करो उसको। ये इबरत के मकाम से मुश्किलात की रफू, वो मुश्किलात को सीने और इन जख्मों को मुंदमिल करने का तरीका सीखना, ये नसीहतुल इबरा है, मौइजतुल इबरा है। इस तरह से जाकर इबरत के मकाम से तुम हासिल करो। अजीजान, हमने करबला से इबरत नहीं ली। अगर करबला से इबरत ली होती, आज इस कौम का दामन चाक ना होता, आज इसका गिरेबान चाक ना होता, कम का रफू हो चुका होता अगर इबरत ली होती। हमने इबरत के मकाम से इबरत, हम हर जगह से फीस लेने के चक्कर में होते हैं, हर जगह से फायदा उठाने के चक्कर में होते हैं। अगर कोई हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, जलजला आ गया, सैलाब आ गया, तो हम उससे फायदा उठाते हैं। एक मोमिन का यह कहना था कि मसलन इराक में जब हमला हुआ और इराक सारा वीरान हो गया, तो बहुत खुश थे, कहा कि अभी ठेके मिलेंगे, अभी काम शुरू होगा, अभी कंस्ट्रक्शन शुरू होगी, अभी बिजनेस चमकेगा। इसी तरह पाकिस्तान में मसलन जलजला आया, इतनी तबाही मची, बाजों का कारोबार चमक उठा, सैलाब आया, बाजों का कारोबार चमक उठा। ये नहीं है कि दूसरों के दर्दों और जख्मों में जाकर अपनी मईशत के सुतून वहां पर गाड़ो, वहां पर अपनी रिज्क और रोजी दूसरों के जख्मों में तलाश करो। ये मुर्दाखोरी है, लाशखोरी है। लाशखोरी मत करो। मुसीबत ज़दा कौम के मुसाइब से तुम जाकर अपने रोटी के टुकड़े ना जमा करो, बल्कि उनके जख्म रफू करो, उनके जख्म दूर करो, और आइंदा नस्ल के जख्म दूर करो। आइंदा नस्ल बचा सकते हैं सिर्फ अमीरुल मोमिनीन की ज़बान मुबारक से। तवज्जो फरमाएं, हम अपनी आइंदा नस्ल को किस वक्त किस तरह बचा सकते हैं, मौजूदा नस्ल से जब इबरत लेंगे। मौजूदा नस्ल के साथ जो कुछ हो रहा है इससे इबरत लेकर आइंदा नस्ल को बचा सकते हैं। यानी वो चाक गरेबां, वो चाक रास्ते, वो तमाम चीजें जो सीने के लिए जरूरी हैं, आइंदा नस्ल के जरिए उनको रफू करो, नसीहत करो, ताकि आइंदा नस्ल तो बच जाए। जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो उनके साथ ना हो। ये ना हो कि वो नस्ल भी लाशें उठाती फिरे, ये ना हो जाए कि वो भी अपना दीन छुपाती फिरे, ये ना हो जाए कि वो भी इसी तरह से इस खौफ व हरास के आलम में अपनी जिंदगी गुजार के चले जाएं और अगली नस्लों को हालात की खराबी ही विरासत के तौर पर छोड़ के चले जाएं। आज की नस्ल का काम यह है कि वो इबरत लेकर रफू करे उन दर्दों को जो दूसरों ने डाल दिए हैं, जो दूसरों ने लगा दिए हैं। जब इंसान इबरत से नसीहत लेना शुरू करता है, अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, यकीन का तीसरा शोबा उसके वजूद के अंदर कायम हो जाता है। और जब इस शोबे के जरिए से यकीन आ जाता है तो ईमान का दूसरा रुकन इंसान के अंदर कायम हो जाता है। और जब ईमान का यह रुकन खड़ा हो जाता है और उसकी बुनियाद पर ईमान कायम हो जाता है, उस वक्त इंसान मकाम मोमिनियत पर फाइज हो जाता है। उस वक्त अल्लाह ताला का खिताब आता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो। इसका मतलब ये नहीं है ऐ वो लोगों जो मोमिनों के यहाँ पैदा हुए हो। ये बायोलॉजिकल मोमिनों को खिताब नहीं है, ये आइडियोलॉजिकल मोमिनों को खिताब है। ये उन मोमिनों को खिताब है जिन्होंने ईमान के अरकान अपने वजूद के अंदर कायम कर लिए हैं और जिन्होंने उन अरकान के शोबे अपने अंदर कायम कर लिए हैं। वो कौन मोमिन है? जिनके अंदर बसीरत के चिराग रोशन हो गए हैं। ये कौन से मोमिन है? जो हिकमतों की तह तक पहुंचने के लिए आमादा हो गए हैं। ये कौन से मोमिन है? जो इबरत के मकाम से नसीहतें हासिल कर सकते हैं। ये मोमिन है जिनके अंदर ईमान के लिए मैदान हमवार हो गया है। इन मोमिनों को अगर निदा दी जाए, इनको अगर कहा जाए हल मिन ज़ाबिन यज़ुब्बु अन हरम रसूलिल्लाह, ये लब्बैक कहते हैं, ये पहुंच जाते हैं। इनको अगर बुलाया जाए नुसरत दीन खुदा के लिए, मन अंसारी इल्लाह, ये नुसरत खुदा के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन वो मोमिन जो दर्जा मोमिनियत पे फाइज नहीं हुए, जो ईमान के दर्जे पे फाइज नहीं हुए, वो इन हवादिस से फायदा उठाने के चक्कर में होते हैं। आज देखें कितने लोग हैं शहादत सैयद शुहदा से फायदा उठा रहे। कितने लोगों के टेंट बिकते हैं, कितने लोगों का चावल बिकता है, कितने लोगों को किराया मिलता है, कितने लोगों को फीस मिलती है, कितनों के चूल्हे जलते हैं, कितनों का हम ये समझते हैं ये बरकत है करबला की। ना अजीज मन, ये कौन तबका है? ये वो तबका है जिन्होंने हुसैन के मुसाइब में अपनी मईशत के सुतून गाड़ लिए। ये वो लोग नहीं है जो मोमिन के दर्जे में। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कौन है? जो सैयदुश शुहदा के साथ शहीद हो गए और जिनके लिए सैयदुश शुहदा बता रहे हैं कि ये 72 तो यहाँ शहीद हो गए, लेकिन अगले 72 और हर नस्ल के 72 उनको बुला रहे थे सैयदुश शुहदा अलैहिस्सलाम। करबला इबरत का मकाम है। इबरत किस तरह वो लोग जो साथी थे वो कातिल बन गए और जो मुखालिफ थे वो साथी बन गए। ये इबरत है करबला की। पता है ना आपको, साथी कातिल बन गए और मुखालिफ साथी बन गए। दोनों काम हुए करबला के अंदर। साथी कैसे कातिल बने? ये शिम्र, ये शुरै, ये सब लोग ये साथी थे। ये अमीरुल मोमिनीन की फौज में थे। शिमर अमीरुल मोमिनीन की फौज का जर्नैल था, सीनियर अफसर था। उसके मातहत एक पूरी बटालियन थी जो शिमर की कमान में थी। शिमर ने जंग सफीन लड़ी यजीद के बाप के खिलाफ, अमीरुल मोमिनीन का सिपाही बनकर, और करबला में आकर जंग लड़ी यजीद का सिपाही बन के अली के बेटे के साथ। ये इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आई? उस फौज से निकल के इस फौज में कैसे आ गया? उस फौज का आदमी इस फौज में कैसे आ गया? यजीद के बाप के खिलाफ जंग करने वाला जंग सफीन में, करबला में अली के बेटे के साथ आके जंग कर रहा। कैसे हुआ ये शुरै? ये इतना बड़ा काजी, फकीह, आलिम दीन जिसने फतवा दिया कि हुसैन ने उल अमर के खिलाफ बगावत की है। यजीद को उलुल अम्र लिखा और हुसैन को कहा ये उलुल अम्र के खिलाफ बगावत की है, और जो भी उलुल अम्र के खिलाफ बगावत करता है उसकी सजा कत्ल है, कत्ल करना वाजिब है। ये लोग इस फतवा को लेकर जेबों में डाला हुआ था, ये फतवा उन्हें जगह जगह सुनाया जाता था और इस फतवा को लेकर हुसैन अलैहिस्सलाम पे हमले करते। सैयद साजिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब वापस आए अपने जद के मज़ार पर मदीना में तो ये मरसिये का जो जुमला फरमाया कि ए जदना, जब ये आपके बेटे पर हमला करते थे कुर्बतन इल्लाह की नीयत करते थे साथ, क्योंकि फतवा मौजूद था इनके लिए, एक फरीजा अंजाम दे रहे। और इस तरह के बहुत लोग थे। और एक हुर है, मुखालिफ है, साथी बन गया। और रोजे आशूर तक मुखालिफ फौज में था, दुश्मन फौज में था, मैदान करबला में लाने वाला ये था, रास्ता रोकने वाला ये था, लेकिन जोर आशूर से पहले पहले साथी बन गया, साथी कातिल बन गया और मुखालिफ साथी बन गया। ये इबरत नहीं तो और क्या है अजीज मान। अगर साथी कातिल बन सकते हैं तो मुझे और आपको डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए, घबराना चाहिए या नहीं घबराना चाहिए। वो कौन सी चीज थी जो उस फौज से निकालकर इस फौज में ले आती है? एक रई की हुकूमत, एक वजारत, कलमदान वजारत, एक मुलाजमत, एक वीजा। एक वीजा इंसान को अली की फौज से निकाल के उमर साद की फौज में ले आता है। एक मुलाजमत, फकत एक मुलाजमत। हम जो लान करते हैं उमर साद और शेमर पर, पहले अपने आप को देखें कि उसने रई की हुकूमत के वादे पर यह जुल्म किया है। मैं तो छोटी सी मुलाजमत के लिए भी ये जुल्म करने के लिए तैयार हूं। ये इबरत का मकाम है। और उधर एक और मुखालिफ, जब यहां आ गई बात तो यही जिक्र मुसाहिब है। एक और मुखालिफ सैयद शुहदा का जो साथी बन गया और बहुत अजीम साथी बना, जुहैर इब्न कैन। मुखालिफ था सैयद शुहदा। सैयद शुहदा जब मक्का से निकले कारवान लेकर, ये भी सैयद शुहदा के पीछे पीछे अपना तजारती कारवान लेकर निकला, लेकिन इसकी कोशिश ये थी कि किसी जगह सैयद शुहदा से मुलाकात न हो, चूंकि ये उस प्रोपोगंडे से मुतासिर था जो शाम से शुरू हुआ और फैल गया कि खलीफा सेवम के कातिलों को अली ने पनाह दे रखी है। उससे मुतासिर था, इसके दिल में ये बात थी, इस वजह से मुखालिफ था। इतना मुखालिफ था कि सैयद शुहदा से मिलना नहीं चाहता था। अपने कारवान को इस तरह से इसने शेड्यूल बनाया हुआ था हरकत का, चलने का, कि जहां हुसैन अलैहिस्सलाम रुकते ये चल पड़ता और जहां पर सैयद शुहदा चलते ये वहां रुक जाता, ताकि किसी जगह मुलाकात ना हो जाए। इतना डर रहा था, दूरी इख्तियार कर रहा था मुलाकात से। एक मकाम पर इसका कारवान रुका हुआ था और इसके जहन में यह था कि सैयद शुहदा नहीं रुकेंगे, यहां से चल पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने अनकरीब मंजिल पे कयाम किया था, यहां नहीं रुकेंगे। इसने कारवान रोक लिया अपना और इस गुमान के साथ सैयद शुहदा नहीं रुकेंगे, लेकिन इसकी तवक्को के खिलाफ सैयद शुहदा ने भी वहीं जाकर अपना कारवान रोक लिया। रोक कर पड़ो डाला, कयाम किया और कासिद भेजा जो जुहैर को बुला ले। जब कासिद गया, रिवायात के मुताबिक जब कासिद पहुंचा जुहैर के खेमे में, जुहैर अपने कारवान वालों के साथ बैठकर खाना में मशगूल थे, खाना खा रहे। कासिद पहुंचा, सलाम किया और तारुफ करवाया, मैं कासिद हुसैन हूं। जुहैर कौन है? कहा मैं हूं। जुहैर आपको अभी अब्दुल्ला बुला रहे हैं, कुनिया है सैयद शुहदा का, आपको अभी अब्दुल्ला बुला रहे हैं। ये सुनना था ज़ुहैर पर सख्ता तारी हो गया, मुंह खुला रह गया, वो लुकमा हाथ में रुक गया। सारे कारवान वाले हक्का बक्का कि इसी से तो डर रहे थे हम कि ये मौका ना आने पाए। थोड़ी देर चुप रहने के बाद ज़ुहैर ने कहा कि जाके अभी अब्दुल्ला को कह दो मैं नहीं आ सकता। ये जुमला सुनकर जनाने में ज़ौजा ज़ुहैर ने सुना, उस अजीम मुखदरा ने सुना, उस बीबी ने सुना। जो ही ये जुमला सुना उठ के खड़ी हो गई और निदा दे के कहने लगी, ज़ुहैर तुझे मालूम है तुझे किसने बुलाया है? तू जानता है तुझे किसने बुलाया है? तुझे फातिमा ज़हरा के बेटे ने बुलाया और तू कह रहा मैं नहीं जाऊंगा। तू जा, बेशक न मानना, बात न मानना, अगर मदद मांगते हैं बेशक ना करना, लेकिन जब हुसैन ने बुलाया है तो जा। आखिरकार वो कहने लगी, अगर तू नहीं जाता तो मैं जाती हूं, इसलिए कि मैं फातिमा ज़हरा के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती। हमें मालूम है हुसैन पे क्या बनाई है, क्या मुश्किल है, तू इसी से घबराता है। जब ज़ौजा की बात सुनी ज़ुहैर चले गए। बहुत ही मुख्तसर वक्त के लिए, रिवायत तारीख के मुताबिक बहुत मुख्तसर, यानी चंद सात लिखा हुआ है। चंद सात यानी चंद घड़ियां, अरबी जबान में सात घड़ी को कहते, चंद घड़ियां, चंद लहजे। सैयद शुहदा की बारगाह में ज़ुहैर गए और फिर वापस आए। लेकिन जब वापस आए ज़ुहैर की हालत बदली हुई थी। ज़ुहैर ने अमामा उतारा हुआ था, बाल परेशान थे और निगाहें जमीन पे झुकी हुई थी। झुकी हुई निगाहों के साथ आए, अपने खेमे के अंदर दाखिल हुए और आकर अपने साथियों से कहा कि मुझे मेरी मंजिल मिल गई है, तुम में से जो चाहता है मेरे साथ आना आ जाए और जो अलग होना चाहता है अपना सामान अलग कर ले, अपना माल अलग कर ले। बहुत हैरान हुए कि ज़ुहैर तुझे तो इतनी देर नहीं लगी हुसैन के पास, तू तो जाना नहीं चाह रहा था। क्या कहा अभी अब्दुल्ला ने? बताया नहीं ज़ुहैर ने, नहीं कहा मुझे क्या कहा। कहा बस मुझे अपनी मंजिल मिल गई है, जो मेरे साथ आना चाहे बिस्मिल्लाह, वरना अपना माल मेरे माल से अलग कर ले। जुदा हो गया माल। फिर उसके बाद ज़ुहैर ने अपनी ज़ौजा को खिताब किया और कहा, मालूम नहीं मेरा अंजाम क्या होगा, मैं लौट कर आ सकूंगा या नहीं आ सकूंगा, मालूम नहीं। मैं तुझे आजाद करता हूं, तलाक देता हूं, मेरी इंतजार में मत बैठ, मालूम नहीं मैं लौट कर भी आ सकता हूं या नहीं। तू आजाद हो जा, अपनी जिंदगी में आजाद हो जा, मेरी पाबंद ना रहे। ज़ौजा ने भर कर क्या कहा? कहा ज़ुहैर तुझे मालूम नहीं, मुझे मालूम है तेरा क्या होगा, तेरा अंजाम क्या होगा। कहा इस शर्त पर राजी हूं, जुदाई पर राजी हूं कि जब तू शहीद हो जाए, मैं जानती हूं तू शहीद हो जाएगा, जब तू शहीद हो जाए और शहीद होकर जब तू बारगाह हजरत ज़हरा में पहुंचे, जाकर बीबी की खिदमत में अर्ज करना, ऐ बीबी एक कनीज आपकी शफाअत की मुंतज़िर है। ज़ुहैर अगर वादा करो, बीबी से मेरी शफाअत का वादा करो, फिर मैं राजी हूं। ज़ुहैर ने कहा, अगर अल्लाह किस्मत कर दे ये शहादत और ये जियारत तो जरूर वादा करता हूं, बीबी की खिदमत में अर्ज करूंगा। ज़ुहैर सब को छोड़कर आए, सैयद शुहदा के साथ आकर शामिल हो गए और फिर आशूर तक सैयद शुहदा के साथ रहे। सैयद शुहदा ने अपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्से का सालार जुहैर को बनाया, बहुत बावफा सरदार। रिवायत में है कि जब इन्होंने पानी बंद किया, चंद मरतबा जुहैर जाकर पहरा तोड़कर पानी लेकर आया। जब से उन्होंने पानी बंद किया, चंद मरतबा जुहैर ने पहरा तोड़ा जाकर और अकेले जाकर पानी लेकर। बहुत दलेर व शुजा। जुहैर को सैयद शुहदा से दूर करने के लिए उमर साद ने बहुत जतन किए, लेकिन जुहैर वफादार रहे, आखिर तक वफादार रहे। और उस वक्त तक जब सैयद शुहदा ने, जब जुहैर ने मक्तल में निदा दी इलैया इलैया या मौला, सैयद शुहदा खुद गए जुहैर की लाश पर, जुहैर के सर को उठाकर माथा चूमा और फिर उठाकर गंज शुहदा में लाए। और फिर करबला में अजादारों जो कुछ होना था वो हो गया। शाम गरीबा हो गई, लाशें पायमाल हो गई, सर लाशों से जुदा हो गई, अहले बैत को असीर बना लिया गया। और सफर शाम व कूफा शुरू हो गया। करबला की ये खबर करबला के अतराफ में मौजूद कबीलों तक पहुंच गई, फैल गई और वहां जा पहुंची जहां पर जुहैर का कबीला रुका हुआ था। जब ये खबर वहां पहुंची कि हुसैन के जितने साथी थे सब शहीद हो गए, मौला हुसैन भी शहीद हो गए, ज़ौजा जुहैर ने क्या कहा, अपने गुलाम को बुलाया और उस गुलाम को एक सफेद कपड़ा दिया और सफेद कपड़ा देकर क्या कहती है कि ए गुलाम तू जल्दी चला जा करबला में। क्यों? इसलिए कि मौला हुसैन को अगरचे लईनों ने मार दिया है, लेकिन मौला हुसैन के मानने वाले भी बहुत थे। यकीनन हुसैन को भी लोगों ने दफन कर दिया होगा, बनो हाशिम को भी दफन कर दिया है, हुसैन के अंसार को भी दफन कर दिया है, लेकिन मेरा जुहैर तनहा था, अजनबी। मेरे जुहैर को कोई जानता नहीं था, शायद सब दफन हो चुके होंगे, मेरा जुहैर बगैर दफन के पड़ा होगा। ऐ गुलाम जल्दी जा, और अगर अभी तक जुहैर को किसी ने दफन नहीं किया, ये कफन ले जा। पहले कफन पहनाना, फिर दफन करना, फिर कब्र का निशान बनाना, फिर उसके बाद मुझे आकर खबर देना। गुलाम चला जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद वापस आ जाता है। ज़ौजा ज़ुहैर दूर से देखती हैं कि जो कपड़ा गुलाम लेके गया था वो हाथों में उठाए हुए वापस आ जाता है, वो हाथों में उठाए वापस आ जाता है। ज़ौजा ज़ुहैर उसको देखती हैं और कहती है, खुदा भला करे उसका जिसने मेरे गरीब जुहैर को भी दफन कर दिया। गुलाम कहने लगा, ऐ मेरे आका की ज़ौजा, तुझे कहां से मालूम तेरा जुहैर दफन हो गया है? कहने लगी, तू कफन जो वापस ले आया है तो इसका मतलब ये किसी ने जुहैर को दफन कर दिया है। रोकर गुलाम बैठ गया खाक के ऊपर, वो कपड़ा सामने रखकर सर पीटने लगा और क्या कहने लगा, ऐ मेरी आका की ज़ौजा, तू अपने जुहैर को रो रही है, वहां तो फातिमा का लाल भी बेगौर कफन पड़ा, वहां तो अहले बैत की बेगौर कफन पड़े हैं, वहां पायमाल लाशें हैं, फकत रेत का कफन है, फकत रेत का कफन है। अभी तक करबला में किसी को दफन नहीं किया गया, तू अपने जुहैर को रो रही है। اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। खुदा बंदा बहक मोहम्मद वाले मोहम्मद हमारे इस तलील से जिक्र को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। परवरदिगारा जो मोमिनीन इस दुनिया से रिज़्क़ कर गए उन्हें मकाम रहमत मकाम नसीब फरमा। जो मरीज़ अली ने उन्हें शिफाए कामला नसीब फरमा। जो मुल्क में से दुआ उनकी दुआओं को मुस्तजाब फरमा। जो साहिब हाजात हैं उनकी हाजात को पूरा फरमा। जो किसी मुश्किल और मुसीबत में गिरफ्तार है उनके तमाम मसाइल मुश्किलात को बरतरफ फरमा। परवरदिगारा उम्मत इस्लामिया को जुल्म सितम से निजात अता फरमा। इन जालिमीन को जुल्म समेत नीस्त व नाबूद फरमा। अमरीका और इसराइल का खात्मा फरमा। खुदावंदा तमाम मजलूम मिल्लतों को निजात अता फरमा। मजलूमीन गजा को निजात अता फरमा। मजलूमीन फलस्तीन को निजात अता फरमा। मजलूमीन कश्मीर को निजात अता फरमा। मजलूमीन बहरीन को निजात अता फरमा। हिज़्बुल्लाह को कामयाबी अता फरमा। सैयद मुक़ावमत सैयद हसन नसरुल्लाह की हिफाजत फरमा। रहबर मुअज़्ज़म इनकलाब इस्लामी का साया दराज फरमा। इनकलाब इस्लामी को दुश्मनों के शर से महफूज फरमा। इनकलाब इस्लामी को इनकलाब इमाम ज़मान से मुत्तसिल फरमा। मुमलिकत पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। इस मुल्क को दुश्मनों के शर से महफूज फरमा। मुल्क के साथ खयानत करने वालों को रुसवा फरमा। मुल्क के अंदर अमन व अमान कायम फरमा। परवरदिगारा इस मुल्क के अंदर दहशत गर्दी, फिरका वारियत, फितना व फसाद व निफाक फैलाने वालों को निस्तो नाबूद फरमा। उनके हामियों सरपरस्तों को रुसवा फरमा। आज़ादारान सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम जहाँ कहीं भी हैं परवरदिगारा उनके इज्जत व माल व जान व नामूस की हिफाजत फरमा। दुश्मनान आज़ादारी व तशय्यो अगर लायक इस्लाह नहीं है उन्हें निस्तो नाबूद फरमा। अपने वली हक वलीउल्लाहिल आज़म अजल्लल्लाहु तआला फरज शरीफ का जल्द ज़हूर फरमा। हमें हजरत के आवान और अंसार में से होने की तौफीक अता फरमा। आप तमाम मरहूमीन के लिए, मोमिनीन व मोमिनात के लिए, बिलखुसूस शुहदा के लिए, शुहदा सानिया रावलपिंडी के लिए व दीगर शुहदा जो कराची में इसी मुहर्रम अल हराम के अंदर दर्जा शहादत के फायज हुए व बिलखस इमाम शुहदा हजरत इमाम खुमैनी रज़वानुल्लाह अलैह के लिए सूरह फातिहा